पता है लोग हमसे क्यों डरते हैं? हमारा आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली होता है भाई। सुबह से लेके शाम तक बॉस अपनी गाड़ी से नहीं उतरा यार। अरे उसको केस में इंटरेस्ट है भी ना। गौरी की कहानी में सुष्मिता की अदाकारी ने फूके प्राण। मैं अटल हूँ से पहले रवि जाधव की तालीक। वेब सीरीज ताली की शुरुआत संत तुकाराम की मराठी उक्ति जे का डंजले गंजले तुआसी हने जो आपूले तोची साधु उठखा ववा देवे तिथि ची जानवा से होती है। इसका हिंदी में भावार्था है जो व्यक्ति निराश्रित और वंचितों की सेवा करता है वो भगवान से कम नहीं है। इस पूरी सीरीज का सार देखा जाए तो इसी एक पंक्ति में छुपा है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत की जीवन की सच्ची घटना पर बनी है ये सीरीज। गौरी ने ना सिर्फ ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए काम किया बल्कि ट्रांसजेंडर के हितों के लिए अदालती लड़ाई लड़ी और उन्हें समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का प्रेरक काम किया। गौरी सावंत को उनके समुदाय के लोग भगवान का दर्जा देते हैं। सुष्मिता सेन ने इस सीरीज में इन्हीं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत का किरदार निभाया है। खुद को निहारू खुद को सवारू सुध बुध खोयो जिया जैसे गीत से माहौल साधती ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ क्लास में एक मासूम से बच्चे से पूछा जाता है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। वो कहता है कि माँ बनना है। इस जवाब को सुनकर सभी बच्चे हंसते हैं और टीचर की डांट भी पड़ती है। फिर भी उसके मन में सवाल है कि मर्द कभी माँ क्यों नहीं बन सकते। टीचर से जवाब मिलता है कि मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकते इसलिए वो माँ नहीं बन सकते। 5-6 साल के बच्चे के मन में ये जवाब बैठ जाता है और इसका जवाब उसे बड़े होने के बाद खुद से मिलता है। देव की नहीं बन सकती तो क्या हुआ। यशोदा ही सही दोनों ही माँ है। इसी भावना के साथ गौरी सावंत अपने समुदाय के हितों के लिए काम करती है।
गौरी सबन जब अपने समुदाय के लोगों को पढ़ा लिखा कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गौरी सावंत कहती है कि यूएस में किसी को भी ताली बजाकर भीख मांगते नहीं देखा। उसके समुदाय के लोग कहते हैं कि ये तो सालों से चली आ रही हमारी परंपरा है। गौरी सावंत कहती है, हमारी परंपरा में शिखंडी भी एक ऐसा राजा था जो बिल्कुल हमारी तरह से था, लेकिन वो लड़ा और जीता भी। हमें भी लड़ाई जीतनी है और हम अपनी लड़ाई तभी जीतेंगे जब हम शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे तो काम और इज्जत दोनों मिलेगी और कोई उल्लू नहीं बना सकेगा। सीडी ताली के कुछ दृश्य बेहद ही मर्मिक है। मसलन गणेश बड़ा होकर गहन सर्जरी से गुजरकर ट्रांसजेंडर बनने का फैसला करता है। एक तरह हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही है और दूसरी तरफ उसके पिता उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसजेंडर को समान अधिकार मिल जाता है और गौरी सावंत टीवी इंटरव्यू में कहती है, तू मुश्किल दे रे भगवान में आसान करूं, तू दे तपती रेत में गुलिस्तां करूं, तू पहाड़ बना दे जितने में उसमें सुरंग बनूं, तू लाख गिरा दे बिजली मुझ पर, मैं तो सतरंग बनूं। ये सुनकर गौरी सावंत के पिता का सीना गर्व से फूल जाता है, लेकिन सामाजिक भेदभाव के चलते उन्हें गणेश को कभी भी अपने बेटे का दर्जा नहीं दिया। गौरी सावंत को इस बात का दर्द जीवन भर रहा। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए गौरी सावंत को पहली लड़ाई अपने लोगों से ही लड़नी पड़ती है और इस किरदार में सुष्मिता सेन ने अपने अभिनय से प्राण फूंक दिए है। उनका एक एक भाव, एक एक संवाद देखने लायक है। वेब सीरीज ताली का निर्देशन रवि जाधव ने किया है। उनकी बनाई मराठी फिल्म बाल गंधर्व को उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इन दिनों वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की बायोपिक में मैं अटल हूँ का निर्देशन कर रहे हैं। रवि ने वेब सीरीज ताली में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं और उनके उत्थान की बात को बहुत ही गहराई से पेश किया है। हालांकि 6 एपिसोड की सीरीज की 2 से लेकर 5 एपिसोड की कहानी बहुत ही सुस्त है, पर कथा थोड़ी सी बिखरी हुई है। सीरीज को 6 एपिसोड की बजाय अगर 5 एपिसोड में बनाया गया होता तो कहानी का फ्लो बना रहता। सुष्मिता सेन ने ट्रांसजेंडर गौरी सावंत की भूमिका को बहुत ही प्रभावी ढंग से निभाया है। वेब सीरीज की पूरी बागडोर उन्हीं के कंधों पर टिकी हुई है और इस किरदार के साथ पूरी तरह से उन्होंने न्याय करने की कोशिश भी की है। सीरीज के बाकी कलाकारों में नितेश राठौर, अंकुर भाटिया, कृतिका देव, ऐश्वर्या नारकर, विक्रम भाम और अनंत महादेवन अपनी अपनी भूमिकाओं पर खड़े उतरे हैं। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, खास करके टॉप एंगल से लिए गए शॉट्स तो बहुत ही खूबसूरत है। सीरीज का संपादन सुस्त है, बहुत सारे ऐसे दृश्य है कि उन्हें फर्स्ट फॉरवर्ड करने का मन करता है। ऐसे दृश्य को एडिट करके सीरीज को और भी रोचक बनाया जा सकता था। सीरीज की पृष्ठभूमि क्योंकि महाराष्ट्र है और इसका कलेवर भी पूरी तरह मराठी है, लिहाजा उत्तर भारतीय दर्शकों को इसमें अपने स्वादानुसार रस की कमी दिख सकती है। आदित्य शर्मा और नेहा कसलीवाल एक रिश्ते में है जिसे एक रात चुनौती मिलती है जब ये डेट पर जाते हैं और रात के अंधेरे में खुद को पुलिस कर्मी बताने वाले दो लोगों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। क्या वो रात उनके रिश्ते की दिशा बदल देगी? सिद्धांत गुप्ता ने आदित्य शर्मा का किरदार निभाया है जो अपनी बहन और माँ के साथ मुंबई के उपनगरीय इलाके में रहता है। नेहा कसलीवाल वेदिका पिंटो द्वारा अभिनीत एक छात्रा है जो एक पेशेवर पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ये प्यार में है और शायद चीजों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। ये तारीख की रात और नेहा का जन्मदिन है जब ये एक साथ शहर से बाहर है। जैसे ही ये एक दूसरे के साथ रोमांटिक रूप से आराम कर रहे थे, दो आदमी मंगेश और किरण खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए सार्वजनिक पार्किंग स्थल में उनके साथ छेड़खानी करने के लिए उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। रात कैसा आदित्य और नेहा के रिश्ते पर भारी पड़ती है, ये कहानी का बाकी हिस्सा है। ये फिल्म 2019 मलयालम फिल्म इश्क नॉट ए लव स्टोरी की कथानक दर कथानक रीमेक है जिसमे अंध्र राष्ट्रवाद, नैतिक पुलिस सिंह और कठिन विकल्पों के बारे में बात करने के लिए एक तनावपूर्ण लड़के लड़की के रिश्ते का उपयोग किया गया है। वास्तव में इसके लिए कोई
तख्ती उठाए बिना भले ही कथावास्तव में धीमी गति से चलती है। विशेष रूप से शरद किलकर और किशोर कदम के प्रदर्शन ने बड़े पैमाने पर दिन बचा लिया। ये तथ्य कि ये सहजता से अपने पात्रों के प्रति क्रोध और घृणा जैसी भावनाओं को प्रेरित करते हैं, उनके पात्रों की त्वचा में घुसने की उनकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है। थ्रिलर पहलुओं को अच्छी तरह से बनाया गया है, लेकिन अनंत फिल्म पूरी तरह से अलग मोड़ ले लेती है और अंत में सब कुछ ठीक से नहीं जुड़ पाता है। क्लाइमैक्स से पहले के क्षणों को छोड़कर सिद्धांत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वेदिका को स्क्रीन पर कम समय मिलता है, लेकिन वो स्क्रीन पर आश्वस्त और सहज है। मुख्य जोड़ी को अभी लंबा सफर तय करना है, लेकिन उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। मूल फिल्म एक छोटे शहर पर आधारित थी, जहां उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से किसी के साथ रोमांस करना परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसी जगह पर पुलिस से निपटने में जोड़ों को भी परेशानी हो सकती है, लेकिन जब सेटिंग को मुंबई जैसे महानगर में बदल दिया जाता है, जहां आप जोड़ों को पूरे साल कई जगहों पर सार्वजनिक रूप से रोमांस करते हुए दिखने को मिल पाते हैं, तो लेखकों और निर्देशकों को इस बदलाव को ध्यान में रखना होगा और नेपन को ध्यान में रखते हुए कहानी और पात्रों के साथ अलग व्यवहार करना होगा। मन के सेटिंग। आदित्य जो एक कामकाजी पेशेवर है, उत्पीड़न से निपटने में एक अजीब स्तर की असमर्थता और नेहा के लिए एक अजीब तरह की अधिकारिता प्रदर्शन करता है, जो तुरंत गायब हो जाता है जब वो उसे ये बताने में असमर्थ होती है कि बंद दरवाजे के पीछे कार में क्या हुआ था। किसी भी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि वो ऐसा क्यों है। कभी कभी किसी पात्र के दिमाग में एक छोटी सी खिड़की दर्शक को उसकी यात्रा में शामिल करने में बहुत ही मदद करती है। यह भले ही आदित्य उलझा हुआ दिखता है, लेकिन आप उसके लिए कुछ खास महसूस नहीं करते हैं। फिल्म की लंबाई संभावत इसे धीमी गति से दिखाने के लिए 135 मिनट तक रखी गई, वास्तव में दर्दनाक रूप से लंबी लगती है। संगीत बिल्कुल ठीक है। संक्षेप में, ये एक थ्रिलर प्रेम कहानी है जिसे एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए चतुराई और तीव्रता से दोबारा बनाया जा सकता था। अफसोस ये मोड़ चूक जाता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गौरी की कहानी में सुष्मिता की अदाकारी ने फूंके प्राण। मैं अटल हूँ से पहले रवि जाधव की ताली। वेब सीरीज ताली की शुरुआत संत तुकाराम की मराठी उक्ति जे का डंजले गंजले त्वासी हने जो आपूले तुची साधु उठखावा देवे तिथिची जानवा से होती है। इसका हिंदी में भावार्था है, जो व्यक्ति निराश्रित और वंचितों की सेवा करता है वो भगवान से कम नहीं है। इस पूरी सीरीज का सार देखा जाए तो इसी एक पंक्ति में छुपा है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत की जीवन की सच्ची घटना पर बनी है ये सीरीज। गौरी ने न सिर्फ ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए काम किया, बल्कि ट्रांसजेंडर के हितों के लिए अदालती लड़ाई लड़ी और उन्हें समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का प्रेरक काम किया। गौरी सावंत को उनके समुदाय के लोग भगवान का दर्जा देते हैं। सुष्मिता सेन ने इस सीरीज में इन्हीं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत का किरदार निभाया है। खुद को निहारू, खुद को सवारू, सुद बुद्ध खोयो जिया जैसे गीत से माहौल साधती ये कहानी वहाँ से शुरू होती है, जहाँ क्लास में एक मासूम से बच्चे से पूछा जाता है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। वो कहता है कि माँ बनना है। इस जवाब को सुनकर सभी बच्चे हंसते हैं और टीचर की डांट भी पड़ती है। फिर भी उसके मन में सवाल है कि मर्द कभी माँ क्यों नहीं बन सकते। टीचर से जवाब मिलता है कि मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए वो माँ नहीं बन सकते। 5-6 साल के बच्चे के मन में ये जवाब बैठ जाता है और इसका जवाब उसे बड़े होने के बाद खुद से मिलता है। देव की नहीं बन सकती तो क्या हुआ, यशोदा ही सही, दोनों ही माँ है। इसी भावना के साथ गौरी सावंत अपने समुदाय के हितों के लिए काम करती है। गौरी सावंत जब अपने समुदाय के लोगों को पढ़ा लिखा कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गौरी सावंत कहती है कि US में किसी को भी ताली बजा कर भीख मांगते नहीं देखा। उसके समुदाय के लोग कहते हैं कि ये तो सालों से चली आ रही हमारी परंपरा है। गौरी सावंत कहती है, हमारी परंपरा में शिखंडी भी एक ऐसा राजा था जो बिल्कुल हमारी तरह से था, लेकिन वो लड़ा और जीता भी। हमें भी लड़ाई जीतनी है और हम अपनी
लड़ाई तभी जीतेंगे जब हम शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे तो काम और इज्जत दोनों मिलेगी और कोई उल्लू नहीं बना सकेगा। सीडी ताली के कुछ दृश्य बेहद ही मर्मिक है। मसलन गणेश बड़ा होकर गहन सर्जरी से गुजरकर ट्रांसजेंडर बनने का फैसला करता है। एक तरह हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही है और दूसरी तरफ उसके पिता उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसजेंडर को समान अधिकार मिल जाता है और गौरी सावंत टीवी इंटरव्यू में कहती है, तू मुश्किल दे रे भगवान में आसान करू, तू दे तपती रेत में गुलिस्तां करू, तू पहाड़ बना दे जितने में उसमें सुरंग बनू, तू लाख गिरा दे बिजली मुझ पर मैं तो सतरंग बनू। ये सुनकर गौरी सावंत के पिता का सीना गर्व से फूल जाता है, लेकिन सामाजिक भेदभाव के चलते उन्हें गणेश को कभी भी अपने बेटे का दर्जा नहीं दिया। गौरी सावंत को इस बात का दर्द जीवन भर रहा। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए गौरी सावंत को पहली लड़ाई अपने लोगों से ही लड़नी पड़ती है और इस किरदार में सुष्मिता सेन ने अपने अभिनय से प्राण फूंक दिए हैं। उनका एक एक भाव, एक एक संवाद देखने लायक है। वेब सीरीज ताली का निर्देशन रवि जाधव ने किया है। उनकी बनाई मराठी फिल्म बाल गंधर्व को उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इन दिनों वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की बायोपिक में मैं अटल हूँ का निर्देशन कर रहे हैं। रवि ने वेब सीरीज ताली में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं और उनके उत्थान की बात को बहुत ही गहराई से पेश किया है। हालांकि 6 एपिसोड की सीरीज की 2 से लेकर 5 एपिसोड की कहानी बहुत ही सुस्त है, पर कथा थोड़ी सी बिखरी हुई है। सीरीज को 6 एपिसोड की बजाय अगर 5 एपिसोड में बनाया गया होता तो कहानी का फ्लो बना रहता। सुष्मिता सेन ने ट्रांसजेंडर गौरी सावंत की भूमिका को बहुत ही प्रभावी ढंग से निभाया है। वेब सीरीज की पूरी बागडोर उन्हीं के कंधों पर टिकी हुई है और इस किरदार के साथ पूरी तरह से उन्होंने न्याय करने की कोशिश भी की है। सीरीज के बाकी कलाकारों में नितेश राठौर, अंकुर भाटिया, कृतिका देव, ऐश्वर्या नारकर, विक्रम भाम और अनंत महादेवन अपनी अपनी भूमिकाओं पर खड़े उतरे हैं। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, खास करके टॉप एंगल से लिए गए शॉट्स तो बहुत ही खूबसूरत है। सीरीज का संपादन सुस्त है, बहुत सारे ऐसे दृश्य है कि उन्हें फर्स्ट फॉरवर्ड करने का मन करता है। ऐसे दृश्य को एडिट करके सीरीज को और भी रोचक बनाया जा सकता था। सीरीज की पृष्ठभूमि क्योंकि महाराष्ट्र है और इसका कलेवर भी पूरी तरह मराठी है, लिहाजा उत्तर भारतीय दर्शकों को इसमें अपने स्वादानुसार रस की कमी दिख सकती है। आदित्य शर्मा और नेहा कसलीवाल एक रिश्ते में है जिसे एक रात चुनौती मिलती है जब ये डेट पर जाते हैं और रात के अंधेरे में खुद को पुलिसकर्मी बताने वाले दो लोगों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। क्या वो रात उनके रिश्ते की दिशा बदल देगी? सिद्धांत गुप्ता ने आदित्य शर्मा का किरदार निभाया है जो अपनी बहन और माँ के साथ मुंबई के उपनगरीय इलाके में रहता है। नेहा कसलीवाल वेदिका पिंटो द्वारा अभिनीत एक छात्रा है जो एक पेशेवर पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ये प्यार में है और शायद चीजों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। ये तारीख की रात और नेहा का जन्मदिन है जब ये एक साथ शहर से बाहर है। जैसे ही ये एक दूसरे के साथ रोमांटिक रूप से आराम कर रहे थे, दो आदमी मंगेश और किरण खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए सार्वजनिक पार्किंग स्थल में उनके साथ छेड़खानी करने के लिए उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। रात कैसा आदित्य और नेहा के रिश्ते पर भारी पड़ती है, ये कहानी का बाकी हिस्सा है। ये फिल्म 2019 मलयालम फिल्म इश्क नॉट ए लव स्टोरी की कथानक दर कथानक रीमेक है जिसमें अंध्र राष्ट्रवाद, नैतिक पुलिसिंग और कठिन विकल्पों के बारे में बात करने के लिए एक तनावपूर्ण लड़के लड़की के रिश्ते का उपयोग किया गया है। वास्तव में इसके लिए कोई तख्ती उठाए बिना भले ही कथा वास्तव में धीमी गति से चलती है, विशेष रूप से शरद किलकर और किशोर कदम के प्रदर्शन ने बड़े पैमाने पर दिन बचा लिया। ये तथ्य कि ये सहजता से अपने पात्रों के प्रति क्रोध और घृणा जैसी भावनाओं को प्रेरित करते हैं, उनके पात्रों की त्वचा में घुसने की उनकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है। थ्रिलर पहलुओं को अच्छी तरह से बनाया गया है, लेकिन अनंत फिल्म पूरी तरह से अलग मोड़ ले लेती है और अंत में सब कुछ ठीक से नहीं जुड़ पाता है। क्लाइमैक्स से पहले के क्षणों को छोड़कर सिद्धांत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वेदिका को स्क्रीन पर कम समय मिलता है, लेकिन वो स्क्रीन पर आश्वस्त और सहज है। मुख्य जोड़ी
को अभी लंबा सफर तय करना है, लेकिन उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। मूल फिल्म एक छोटे शहर पर आधारित थी, जहां उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से किसी के साथ रोमांस करना परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसी जगहों पर पुलिस से निपटने में जोड़ों को भी परेशानी हो सकती है, लेकिन जब सेटिंग को मुंबई जैसे महानगर में बदल दिया जाता है, जहां आप जोड़ों को पूरे साल कई जगहों पर सार्वजनिक रूप से रोमांस करते हुए दिखने को मिल पाते हैं, तो लेखकों और निर्देशकों को इस बदलाव को ध्यान में रखना होगा और नेपन को ध्यान में रखते हुए कहानी और पात्रों के साथ अलग व्यवहार करना होगा। मन के सेटिंग। आदित्य जो एक कामकाजी पेशेवार है, उत्पीड़न से निपटने में एक अजीब स्तर की असमर्थता और नेहा के लिए एक अजीब तरह की अधिकारिता प्रदर्शन करता है, जो तुरंत गायब हो जाता है जब वो उसे ये बताने में असमर्थ होती है कि बंद दरवाजे के पीछे कार में क्या हुआ था। किसी भी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि वो ऐसा क्यों है। कभी कभी किसी पात्र के दिमाग में एक छोटी सी खिड़की दर्शक को उसकी यात्रा में शामिल करने में बहुत ही मदद करती है। यह भले ही आदित्य उलझा हुआ दिखता है, लेकिन आप उसके लिए कुछ खास महसूस नहीं करते हैं। फिल्म की लंबाई संभावत इसे धीमी गति से दिखाने के लिए 135 मिनट तक रखी गई, वास्तव में दर्दनाक रूप से लंबी लगती है। संगीत बिल्कुल ठीक है। संक्षेप में, ये एक थ्रिलर प्रेम कहानी है जिसे एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए चतुराई और तीव्रता से दोबारा बनाया जा सकता था। अफसोस, ये मोड़ चूक जाता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Netflix पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो Netflix पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Netflix का सब्सक्रिप्शन है। गौरी की कहानी में सुष्मिता की अदाकारी ने फूके प्राण, मैं अटल हूँ से पहले रवि जाधव की ताली। वेब सीरीज ताली की शुरुआत संत तुकाराम की मराठी उक्ति जे का डंजले गंजले तुआसी हने जो आपूले तुची साधु उठखा ववा देवे तिथि ची जानवा से होती है। इसका हिंदी में भावार्था है, जो व्यक्ति निराश्रित और वंचितों की सेवा करता है वो भगवान से कम नहीं है। इस पूरी सीरीज का सार देखा जाए तो इसी एक पंक्ति में छुपा है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत के जीवन की सच्ची घटना पर बनी है ये सीरीज। गौरी ने न सिर्फ ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए काम किया, बल्कि ट्रांसजेंडर के हितों के लिए अदालती लड़ाई लड़ी और उन्हें समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का प्रेरक काम किया। गौरी सावंत को उनके समुदाय के लोग भगवान का दर्जा देते हैं। सुष्मिता सेन ने इस सीरीज में इन्हीं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत का किरदार निभाया है। खुद को निहारू, खुद को संवारू, सुध बुध खोयो जिया जैसे गीत से माहौल साधती ये कहानी वहाँ से शुरू होती है, जहाँ क्लास में एक मासूम से बच्चे से पूछा जाता है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। वो कहता है कि माँ बनना है। इस जवाब को सुनकर सभी बच्चे हंसते हैं और टीचर की डांट भी पड़ती है। फिर भी उसके मन में सवाल है कि मर्द कभी माँ क्यों नहीं बन सकते। टीचर से जवाब मिलता है कि मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए वो माँ नहीं बन सकते। 5-6 साल के बच्चे के मन में ये जवाब बैठ जाता है और इसका जवाब उसे बड़े होने के बाद खुद से मिलता है। देव की नहीं बन सकती तो क्या हुआ, यशोदा ही सही, दोनों ही माँ है। इसी भावना के साथ गौरी सावंत अपने समुदाय के हितों के लिए काम करती है। गौरी सावंत जब अपने समुदाय के लोगों को पढ़ा लिखा कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है, तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गौरी सावंत कहती है कि US में किसी को भी ताली बजा कर भीख मांगते नहीं देखा। उसके समुदाय के लोग कहते हैं कि ये तो सालों से चली आ रही हमारी परंपरा है। गौरी सावंत कहती है, हमारी परंपरा में शिखंडी भी एक ऐसा राजा था जो बिल्कुल हमारी तरह से था, लेकिन वो लड़ा और जीता भी। हमें भी लड़ाई जीतनी है और हम अपनी लड़ाई तभी जीतेंगे जब हम शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे तो काम और इज्जत दोनों मिलेगी और कोई उल्लू नहीं बना सकेगा। सीरीज ताली के कुछ दृश्य बेहद ही मर्मिक है। मसलन गणेश बड़ा होकर गहन सर्जरी से गुजरकर ट्रांसजेंडर बनने का फैसला करता है। एक तरह हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही है और दूसरी तरफ उसके पिता उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसजेंडर को समान अधिकार मिल जाता है और गौरी सावंत टीवी इंटरव्यू में कहती है, तू मुश्किल दे दे भगवान मैं आसान करूं, तू दे तपती रेत मैं गुलिस्तां करूं, तू पहाड़ बना दे जितने मैं
उसमें सुरंग बनू तू लाख गिरा दे बिजली मुझ पर मैं तो सतरंग बनू। ये सुनकर गौरी सावंत के पिता का सीना गर्व से फूल जाता है, लेकिन सामाजिक भेदभाव के चलते उन्हें गणेश को कभी भी अपने बेटे का दर्जा नहीं दिया। गौरी सावंत को इस बात का दर्द जीवन भर रहा। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए गौरी सावंत को पहली लड़ाई अपने लोगों से ही लड़नी पड़ती है, और इस किरदार में सुष्मिता सेन ने अपने अभिनय से प्राण फूंक दिए हैं। उनका एक एक भाव एक एक संवाद देखने लायक है। वेब सीरीज ताली का निर्देशन रवि जाधव ने किया है। उनकी बनाई मराठी फिल्म बाल गंधर्व को उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इन दिनों वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की बायोपिक में मैं अटल हूँ का निर्देशन कर रहे हैं। रवि ने वेब सीरीज ताली में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं और उनके उत्थान की बात को बहुत ही गहराई से पेश किया है। हालांकि 6 एपिसोड की सीरीज की 2 से लेकर 5 एपिसोड की कहानी बहुत ही सुस्त है, पटकथा थोड़ी सी बिखरी हुई है। सीरीज को 6 एपिसोड की बजाय अगर 5 एपिसोड में बनाया गया होता तो कहानी का फ्लो बना रहता। सुष्मिता सेन ने ट्रांसजेंडर गौरी सावंत की भूमिका को बहुत ही प्रभावी ढंग से निभाया है। वेब सीरीज की पूरी बागडोर उन्हीं के कंधों पर टिकी हुई है, और इस किरदार के साथ पूरी तरह से उन्होंने न्याय करने की कोशिश भी की है। सीरीज के बाकी कलाकारों में नितेश राठौर, अंकुर भाटिया, कृतिका देव, ऐश्वर्या नारकर, विक्रम भाम और अनंत महादेवन अपनी अपनी भूमिकाओं पर खड़े उतरे हैं। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, खास करके टॉप एंगल से लिए गए शॉट्स तो बहुत ही खूबसूरत है। सीरीज का संपादन सुस्त है, बहुत सारे ऐसे दृश्य है कि उन्हें फर्स्ट फॉरवर्ड करने का मन करता है। ऐसे दृश्य को एडिट करके सीरीज को और भी रोचक बनाया जा सकता था। सीरीज की पृष्ठभूमि क्योंकि महाराष्ट्र है और इसका कलेवर भी पूरी तरह मराठी है, लिहाजा उत्तर भारतीय दर्शकों को इसमें अपने स्वादानुसार रस की कमी दिख सकती है। आदित्य शर्मा और नेहा कसलीवाल एक रिश्ते में है जिसे एक रात चुनौती मिलती है जब ये डेट पर जाते हैं और रात के अंधेरे में खुद को पुलिस कर्मी बताने वाले दो लोगों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। क्या वो रात उनके रिश्ते की दिशा बदल देगी? सिद्धांत गुप्ता ने आदित्य शर्मा का किरदार निभाया है जो अपनी बहन और माँ के साथ मुंबई के उपनगरीय इलाके में रहता है। नेहा कसलीवाल वेदिका पिंटो द्वारा अभिनीत एक छात्रा है जो एक पेशेवर पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ये प्यार में है और शायद चीजों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। ये तारीख की रात और नेहा का जन्मदिन है जब ये एक साथ शहर से बाहर है। जैसे ही ये एक दूसरे के साथ रोमांटिक रूप से आराम कर रहे थे, दो आदमी मंगेश और किरण खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए सार्वजनिक पार्किंग स्थल में उनके साथ छेड़खानी करने के लिए उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। रात कैसा आदित्य और नेहा के रिश्ते पर भारी पड़ती है, ये कहानी का बाकी हिस्सा है। ये फिल्म 2019 मलयालम फिल्म इश्क नॉट ए लव स्टोरी की कथानक दर कथानक रीमेक है, जिसमें अंध्र राष्ट्रवाद, नैतिक पुलिस सिंह और कठिन विकल्पों के बारे में बात करने के लिए एक तनावपूर्ण लड़के लड़की के रिश्ते का उपयोग किया गया है। वास्तव में इसके लिए कोई तख्ती उठाए बिना भले ही क्या था, वास्तव में धीमी गति से चलती है। विशेष रूप से शरद किलकर और किशोर कदम के प्रदर्शन ने बड़े पैमाने पर दिन बचा लिया। ये तथ्य कि ये सहजता से अपने पात्रों के प्रति क्रोध और घृणा जैसी भावनाओं को प्रेरित करते हैं, उनके पात्रों की त्वचा में घुसने की उनकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है। थ्रिलर पहलुओं को अच्छी तरह से बनाया गया है, लेकिन अनंत फिल्म पूरी तरह से अलग मोड़ ले लेती है और अंत में सब कुछ ठीक से नहीं जुड़ पाता है। क्लाइमैक्स से पहले के क्षणों को छोड़कर सिद्धांत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वेदिका को स्क्रीन पर कम समय मिलता है, लेकिन वो स्क्रीन पर आश्वस्त और सहज है। मुख्य जोड़ी को अभी लंबा सफर तय करना है, लेकिन उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। मूल फिल्म एक छोटे शहर पर आधारित थी जहां उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से किसी के साथ रोमांस करना परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसी जगह पर पुलिस से निपटने में जोड़ों को भी परेशानी हो सकती है, लेकिन जब सेटिंग को मुंबई जैसे महानगर में बदल दिया जाता है जहां आप जोड़ों को पूरे साल कई जगहों पर सार्वजनिक रूप से रोमांस करते हुए दिखने को मिल पाते हैं, तो लेखकों और निर्देशकों को इस बदलाव को ध्यान में रखना होगा और नेपन को ध्यान में रखते हुए कहानी और पात्रों के साथ अलग व्यवहार करना होगा। मन के सेटिंग आदित्य जो एक
कामकाजी पेशेवर है। उत्पीड़न से निपटने में एक अजीब तौर की असमर्थता नेहा के लिए एक अजीब तरह की अधिकारिता प्रदर्शन करता है, जो तुरंत गायब हो जाता है जब वो उसे ये बताने में असमर्थ होती है कि बंद दरवाजे के पीछे कार में क्या हुआ था। किसी भी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि वो ऐसा क्यों है। कभी कभी किसी पात्र के दिमाग में एक छोटी सी खिड़की दर्शक को उसकी यात्रा में शामिल करने में बहुत ही मदद करती है। यह भले ही आदित्य उलझा हुआ दिखता है, लेकिन आप उसके लिए कुछ खास महसूस नहीं करते हैं। फिल्म की लंबाई संभावत इसे धीमी गति से दिखाने के लिए 135 मिनट तक रखी गई, वास्तव में दर्दनाक रूप से लंबी लगती है। संगीत बिल्कुल ठीक है। संक्षेप में, ये एक थ्रिलर प्रेम कहानी है जिसे एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए चतुराई और तीव्रता से दोबारा बनाया जा सकता था। अफसोस ये मोड़ चूक जाता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गौरी की कहानी में सुष्मिता की अदाकारी ने फूंके प्राण। मैं अटल हूँ से पहले रवि जाधव की ताली। वेब सीरीज ताली की शुरुआत संत तुकाराम की मराठी उक्ति जे का डंजले गंजले त्वासे हने जो आपूले तोची साधु उठखा ववा देवे तिथे ची जानवा से होती है। इसका हिंदी में भावार्था है, जो व्यक्ति निराश्रित और वंचितों की सेवा करता है वो भगवान से कम नहीं है। इस पूरी सीरीज का सार देखा जाए तो इसे एक पंक्ति में छुपा है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत के जीवन की सच्ची घटना पर बनी है ये सीरीज। गौरी ने न सिर्फ ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए काम किया, बल्कि ट्रांसजेंडर के हितों के लिए अदालती लड़ाई लड़ी और उन्हें समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का प्रेरक काम किया। गौरी सावंत को उनके समुदाय के लोग भगवान का दर्जा देते हैं। सुष्मिता सेन ने इस सीरीज में इन्हीं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत का किरदार निभाया है। खुद को निहारो, खुद को संवारो, सुध बुध खोयो जिया जैसे गीत से माहौल साधती ये कहानी वहाँ से शुरू होती है, जहाँ क्लास में एक मासूम से बच्चे से पूछा जाता है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। वो कहता है कि माँ बनना है। इस जवाब को सुनकर सभी बच्चे हंसते हैं और टीचर की डांट भी पड़ती है। फिर भी उसके मन में सवाल है कि मर्द कभी माँ क्यों नहीं बन सकते। टीचर से जवाब मिलता है कि मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए वो माँ नहीं बन सकते। 5-6 साल के बच्चे के मन में ये जवाब बैठ जाता है और इसका जवाब उसे बड़े होने के बाद खुद से मिलता है। देव की नहीं बन सकती तो क्या हुआ, यशोदा ही सही, दोनों ही माँ है। इसी भावना के साथ गौरी सावंत अपने समुदाय के हितों के लिए काम करती है। गौरी सावंत जब अपने समुदाय के लोगों को पढ़ा लिखा कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गौरी सावंत कहती है कि US में किसी को भी ताली बजा कर भीख मांगते नहीं देखा। उसके समुदाय के लोग कहते हैं कि ये तो सालों से चली आ रही हमारी परंपरा है। गौरी सावंत कहती है, हमारी परंपरा में शिखंडी भी एक ऐसा राजा था जो बिल्कुल हमारी तरह से था, लेकिन वो लड़ा और जीता भी। हमें भी लड़ाई जीतनी है और हम अपनी लड़ाई तभी जीतेंगे जब हम शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे तो काम और इज्जत दोनों मिलेगी और कोई उल्लू नहीं बना सकेगा। सीरीज ताली के कुछ दृश्य बेहद ही मर्मिक है। मसलन गणेश बड़ा होकर गहन सर्जरी से गुजरकर ट्रांसजेंडर बनने का फैसला करता है। एक तरह हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही है और दूसरी तरफ उसके पिता उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसजेंडर को समान अधिकार मिल जाता है और गौरी सावंत टीवी इंटरव्यू में कहती है, तू मुश्किल दे दे भगवान मैं आसान करूं, तू दे तपती रेत मैं गुलिस्तां करूं, तू पहाड़ बना दे जितने मैं उसमें सुरंग बनूं, तू लाख गिरा दे बिजली मुझ पर मैं तो सतरंग बनूं। ये सुनकर गौरी सावंत के पिता का सीना गर्व से फूल जाता है, लेकिन सामाजिक भेदभाव के चलते उन्हें गणेश को कभी भी अपने बेटे का दर्जा नहीं दिया। गौरी सावंत को इस बात का दर्द जीवन भर रहा। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए गौरी सावंत को पहली लड़ाई अपने लोगों से ही लड़नी पड़ती है और इस किरदार में सुष्मिता सेन ने अपने अभिनय से प्राण फूंक दिए है। उनका एक एक भाव, एक एक संवाद देखने लायक है। वेब सीरीज ताली का निर्देशन रवि जाधव ने किया है। उनकी बनाई मराठी फिल्म बाल गंधर्व
को उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इन दिनों वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की बायोपिक में मैं अटल हूँ का निर्देशन कर रहे हैं। रवि ने वेब सीरीज ताली में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं और उनके उत्थान की बात को बहुत ही गहराई से पेश किया है। हालांकि 6 एपिसोड की सीरीज की 2 से लेकर 5 एपिसोड की कहानी बहुत ही सुस्त है, पर कथा थोड़ी सी बिखरी हुई है। सीरीज को 6 एपिसोड की बजाय अगर 5 एपिसोड में बनाया गया होता तो कहानी का फ्लो बना रहता। सुष्मिता सेन ने ट्रांसजेंडर गौरी सावंत की भूमिका को बहुत ही प्रभावी ढंग से निभाया है। वेब सीरीज की पूरी बागडोर उन्हीं के कंधों पर टिकी हुई है और इस किरदार के साथ पूरी तरह से उन्होंने न्याय करने की कोशिश भी की है। सीरीज के बाकी कलाकारों में नितेश राठौर, अंकुर भाटिया, कृतिका देव, ऐश्वर्या नारकर, विक्रम भाम और अनंत महादेवन अपनी अपनी भूमिकाओं पर खड़े उतरे हैं। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, खास करके टॉप एंगल से लिए गए शॉट्स तो बहुत ही खूबसूरत है। सीरीज का संपादन सुस्त है, बहुत सारे ऐसे दृश्य है कि उन्हें फर्स्ट फॉरवर्ड करने का मन करता है। ऐसे दृश्य को एडिट करके सीरीज को और भी रोचक बनाया जा सकता था। सीरीज की पृष्ठभूमि क्योंकि महाराष्ट्र है और इसका कलेवर भी पूरी तरह मराठी है, लिहाजा उत्तर भारतीय दर्शकों को इसमें अपने स्वादानुसार रस की कमी दिख सकती है। आदित्य शर्मा और नेहा कसलीवाल एक रिश्ते में है जिसे एक रात चुनौती मिलती है जब ये डेट पर जाते हैं और रात के अंधेरे में खुद को पुलिस कर्मी बताने वाले दो लोगों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। क्या वो रात उनके रिश्ते की दिशा बदल देगी? सिद्धांत गुप्ता ने आदित्य शर्मा का किरदार निभाया है जो अपनी बहन और माँ के साथ मुंबई के उपनगरीय इलाके में रहता है। नेहा कसलीवाल वेदिका पिंटो द्वारा अभिनीत एक छात्रा है जो एक पेशेवर पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ये प्यार में है और शायद चीजों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। ये तारीख की रात और नेहा का जन्मदिन है जब ये एक साथ शहर से बाहर है। जैसे ही ये एक दूसरे के साथ रोमांटिक रूप से आराम कर रहे थे, दो आदमी मंगेश और किरण खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए सार्वजनिक पार्किंग स्थल में उनके साथ छेड़खानी करने के लिए उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। रात कैसा आदित्य और नेहा के रिश्ते पर भारी पड़ती है, ये कहानी का बाकी हिस्सा है। ये फिल्म 2019 मलयालम फिल्म इश्क नॉट ए लव स्टोरी की कथानक दर कथानक रीमेक है जिसमें अंध्र राष्ट्रवाद, नैतिक पुलिस सिंह और कठिन विकल्पों के बारे में बात करने के लिए एक तनावपूर्ण लड़के लड़की के रिश्ते का उपयोग किया गया है। वास्तव में इसके लिए कोई तख्ती उठाए बिना भले ही कथा वास्तव में धीमी गति से चलती है, विशेष रूप से शरद किलकर और किशोर कदम के प्रदर्शन ने बड़े पैमाने पर दिन बचा लिया। ये तथ्य कि ये सहजता से अपने पात्रों के प्रति क्रोध और घृणा जैसी भावनाओं को प्रेरित करते हैं, उनके पात्रों की त्वचा में घुसने की उनकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है। थ्रिलर पहलुओं को अच्छी तरह से बनाया गया है लेकिन अनंत फिल्म पूरी तरह से अलग मोड़ ले लेती है और अंत में सब कुछ ठीक से नहीं जुड़ पाता है। क्लाइमैक्स से पहले के क्षणों को छोड़कर सिद्धांत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वेदिका को स्क्रीन पर कम समय मिलता है लेकिन वो स्क्रीन पर आश्वस्त और सहज है। मुख्य जोड़ी को अभी लंबा सफर तय करना है लेकिन उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। मूल फिल्म एक छोटे शहर पर आधारित थी जहां उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से किसी के साथ रोमांस करना परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसी जगहों पर पुलिस से निपटने में जोड़ों को भी परेशानी हो सकती है लेकिन जब सेटिंग को मुंबई जैसे महानगर में बदल दिया जाता है जहां आप जोड़ों को पूरे साल कई जगहों पर सार्वजनिक रूप से रोमांस करते हुए दिखने को मिल पाते हैं तो लेखकों और निर्देशकों को इस बदलाव को ध्यान में रखना होगा और नेपन को ध्यान में रखते हुए कहानी और पात्रों के साथ अलग व्यवहार करना होगा। मन के सेटिंग आदित्य जो एक कामकाजी पेशेवर है उत्पीड़न से निपटने में एक अजीब स्तर की असमर्थता और नेहा के लिए एक अजीब तरह की अधिकारिता प्रदर्शन करता है जो तुरंत गायब हो जाता है जब वो उसे ये बताने में असमर्थ होती है कि बंद दरवाजे के पीछे कार में क्या हुआ था। किसी भी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि वो ऐसा क्यों है। कभी कभी किसी पात्र के दिमाग में एक छोटी सी खिड़की दर्शक को उसकी
यात्रा में शामिल करने में बहुत ही मदद करती है। यहाँ भले ही आदित्य उलझा हुआ दिखता है, लेकिन आप उसके लिए कुछ खास महसूस नहीं करते हैं। फिल्म की लंबाई संभावत इसे धीमी गति से दिखाने के लिए 135 मिनट तक रखी गई, वास्तव में दर्दनाक रूप से लंबी लगती है। संगीत बिल्कुल ठीक है। संक्षेप में, ये एक थ्रिलर प्रेम कहानी है जिसे एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए चतुराई और तीव्रता से दोबारा बनाया जा सकता था। अफसोस, ये मोड़ चूक जाता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गौरी की कहानी में सुष्मिता की अदाकारी ने फूंके प्राण। मैं अटल हूँ से पहले रवि जाधव की ताली। वेब सीरीज ताली की शुरुआत संत तुकाराम की मराठी उक्ति जे का डंजले गंजले त्वासी हने जो आपूले तोची साधु उठखा ववा देवे तिथिची जानवा से होती है। इसका हिंदी में भावार्था है, जो व्यक्ति निराश्रित और वंचितों की सेवा करता है वो भगवान से कम नहीं है। इस पूरी सीरीज का सार देखा जाए तो इसी एक पंक्ति में छुपा है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत की जीवन की सच्ची घटना पर बनी है ये सीरीज। गौरी ने न सिर्फ ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए काम किया, बल्कि ट्रांसजेंडर के हितों के लिए अदालती लड़ाई लड़ी और उन्हें समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का प्रेरक काम किया। गौरी सावंत को उनके समुदाय के लोग भगवान का दर्जा देते हैं। सुष्मिता सेन ने इस सीरीज में इन्हीं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत का किरदार निभाया है। खुद को निहारू, खुद को संवारू, सुध बुध खोयो जिया जैसे गीत से माहौल साधती ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ क्लास में एक मासूम से बच्चे से पूछा जाता है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। वो कहता है कि माँ बनना है। इस जवाब को सुनकर सभी बच्चे हंसते हैं और टीचर की डांट भी पड़ती है। फिर भी उसके मन में सवाल है कि मर्द कभी माँ क्यों नहीं बन सकते। टीचर से जवाब मिलता है कि मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए वो माँ नहीं बन सकते। 5-6 साल के बच्चे के मन में ये जवाब बैठ जाता है और इसका जवाब उसे बड़े होने के बाद खुद से मिलता है। देव की नहीं बन सकती तो क्या हुआ, यशोदा ही सही, दोनों ही माँ है। इसी भावना के साथ गौरी सावंत अपने समुदाय के हितों के लिए काम करती है। गौरी सावंत जब अपने समुदाय के लोगों को पढ़ा लिखा कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गौरी सावंत कहती है कि US में किसी को भी ताली बजा कर भीख मांगते नहीं देखा। उसके समुदाय के लोग कहते हैं कि ये तो सालों से चली आ रही हमारी परंपरा है। गौरी सावंत कहती है, हमारी परंपरा में शिखंडी भी एक ऐसा राजा था जो बिल्कुल हमारी तरह से था, लेकिन वो लड़ा और जीता भी। हमें भी लड़ाई जीतनी है और हम अपनी लड़ाई तभी जीतेंगे जब हम शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे तो काम और इज्जत दोनों मिलेगी और कोई उल्लू नहीं बना सकेगा। सीरीज ताली के कुछ दृश्य बेहद ही मर्मिक है। मसलन गणेश बड़ा होकर गहन सर्जरी से गुजरकर ट्रांसजेंडर बनने का फैसला करता है। एक तरह हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही है और दूसरी तरफ उसके पिता उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसजेंडर को समान अधिकार मिल जाता है और गौरी सावंत TV इंटरव्यू में कहती है, तू मुश्किल दे रे भगवान मैं आसान करूं, तू दे तपती रेत मैं गुलिस्तां करूं, तू पहाड़ बना दे जितने मैं उसमें सुरंग बनूं, तू लाख गिरा दे बिजली मुझ पर मैं तो सतरंग बनूं। ये सुनकर गौरी सावंत के पिता का सीना गर्व से फूल जाता है, लेकिन सामाजिक भेदभाव के चलते उन्हें गणेश को कभी भी अपने बेटे का दर्जा नहीं दिया। गौरी सावंत को इस बात का दर्द जीवन भर रहा। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए गौरी सावंत को पहली लड़ाई अपने लोगों से ही लड़नी पड़ती है और इस किरदार में सुष्मिता सेन ने अपने अभिनय से प्राण फूंक दिए है। उनका एक एक भाव, एक एक संवाद देखने लायक है। वेब सीरीज ताली का निर्देशन रवि जाधव ने किया है। उनकी बनाई मराठी फिल्म बाल गंधर्व को उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इन दिनों वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की बायोपिक में मैं अटल हूँ का निर्देशन कर रहे हैं। रवि ने वेब सीरीज ताली में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं और उनके उत्थान की बात को बहुत ही गहराई से पेश किया है। हालांकि 6 एपिसोड की सीरीज की 2 से लेकर 5 एपिसोड की कहानी बहुत ही सुस्त है,
पटकथा थोड़ी सी बिखरी हुई है। सीरीज को 6 एपिसोड की बजाय अगर 5 एपिसोड में बनाया गया होता तो कहानी का फ्लो बना रहता। सुष्मिता सेन ने ट्रांसजेंडर गौरी सावंत की भूमिका को बहुत ही प्रभावी ढंग से निभाया है। वेब सीरीज की पूरी बागडोर उन्हीं के कंधों पर टिकी हुई है और इस किरदार के साथ पूरी तरह से उन्होंने न्याय करने की कोशिश भी की है। सीरीज के बाकी कलाकारों में नितेश राठौड़, अंकुर भाटिया, कृतिका देव, ऐश्वर्या नारकर, विक्रम भाम और अनंत महादेवन अपनी अपनी भूमिकाओं पर खड़े उतरे हैं। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, खास करके टॉप एंगल से लिए गए शॉट्स तो बहुत ही खूबसूरत है। सीरीज का संपादन सुस्त है, बहुत सारे ऐसे दृश्य है कि उन्हें फर्स्ट फॉरवर्ड करने का मन करता है। ऐसे दृश्य को एडिट करके सीरीज को और भी रोचक बनाया जा सकता था। सीरीज की पृष्ठभूमि क्योंकि महाराष्ट्र है और इसका कलेवर भी पूरी तरह मराठी है, लिहाजा उत्तर भारतीय दर्शकों को इसमें अपने स्वादानुसार रस की कमी दिख सकती है। आदित्य शर्मा और नेहा कसलीवाल एक रिश्ते में है जिसे एक रात चुनौती मिलती है जब ये डेट पर जाते हैं और रात के अंधेरे में खुद को पुलिस कर्मी बताने वाले दो लोगों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। क्या वो रात उनके रिश्ते की दिशा बदल देगी? सिद्धांत गुप्ता ने आदित्य शर्मा का किरदार निभाया है जो अपनी बहन और माँ के साथ मुंबई के उपनगरीय इलाके में रहता है। नेहा कसलीवाल वेदिका पिंटो द्वारा अभिनीत एक छात्रा है जो एक पेशेवर पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ये प्यार में है और शायद चीजों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। ये तारीख की रात और नेहा का जन्मदिन है जब ये एक साथ शहर से बाहर है। जैसे ही ये एक दूसरे के साथ रोमांटिक रूप से आराम कर रहे थे, दो आदमी मंगेश और किरण खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए सार्वजनिक पार्किंग स्थल में उनके साथ छेड़खानी करने के लिए उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। रात कैसा आदित्य और नेहा के रिश्ते पर भारी पड़ती है, ये कहानी का बाकी हिस्सा है। ये फिल्म 2019 मलयालम फिल्म इश्क नॉट ए लव स्टोरी की कथानक दर कथानक रीमेक है जिसमें अंध्र राष्ट्रवाद, नैतिक पुलिसिंग और कठिन विकल्पों के बारे में बात करने के लिए एक तनावपूर्ण लड़के लड़की के रिश्ते का उपयोग किया गया है। वास्तव में इसके लिए कोई तख्ती उठाए बिना भले ही कथा वास्तव में धीमी गति से चलती है, विशेष रूप से शरद किलकर और किशोर कदम के प्रदर्शन ने बड़े पैमाने पर दिन बचा लिया। ये तथ्य कि ये सहजता से अपने पात्रों के प्रति क्रोध और घृणा जैसी भावनाओं को प्रेरित करते हैं, उनके पात्रों की त्वचा में घुसने की उनकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है। थ्रिलर पहलुओं को अच्छी तरह से बनाया गया है लेकिन अनंत फिल्म पूरी तरह से अलग मोड़ ले लेती है और अंत में सब कुछ ठीक से नहीं जुड़ पाता है। क्लाइमैक्स से पहले के क्षणों को छोड़कर सिद्धांत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वेदिका को स्क्रीन पर कम समय मिलता है लेकिन वो स्क्रीन पर आश्वस्त और सहज है। मुख्य जोड़ी को अभी लंबा सफर तय करना है लेकिन उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। मूल फिल्म एक छोटे शहर पर आधारित थी जहां उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से किसी के साथ रोमांस करना परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसी जगहों पर पुलिस से निपटने में जोड़ों को भी परेशानी हो सकती है लेकिन जब सेटिंग को मुंबई जैसे महानगर में बदल दिया जाता है जहां आप जोड़ों को पूरे साल कई जगहों पर सार्वजनिक रूप से रोमांस करते हुए दिखने को मिल पाते हैं तो लेखकों और निर्देशकों को इस बदलाव को ध्यान में रखना होगा और नेपन को ध्यान में रखते हुए कहानी और पात्रों के साथ अलग व्यवहार करना होगा। मन के सेटिंग आदित्य जो एक कामकाजी पेशेवार है उत्पीड़न से निपटने में एक अजीब स्तर की असमर्थता और नेहा के लिए एक अजीब तरह की अधिकारिता प्रदर्शन करता है जो तुरंत गायब हो जाता है जब वो उसे ये बताने में असमर्थ होती है कि बंद दरवाजे के पीछे कार में क्या हुआ था। किसी भी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि वो ऐसा क्यों है। कभी कभी किसी पात्र के दिमाग में एक छोटी सी खिड़की दर्शक को उसकी यात्रा में शामिल करने में बहुत ही मदद करती है। यह भले ही आदित्य उलझा हुआ दिखता है लेकिन आप उसके लिए कुछ खास महसूस नहीं करते हैं। फिल्म की लंबाई संभावत इसे धीमी गति से दिखाने के लिए 135 मिनट तक रखी गई, वास्तव में दर्दनाक रूप से लंबी लगती है। संगीत बिल्कुल ठीक है। संक्षेप में ये एक थ्रिलर प्रेम कहानी है जिसे एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए चतुराई और तीव्रता से दोबारा बनाया जा सकता था, अफसोस ये मोड़ चूक जाता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है, तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गौरी की कहानी में सुष्मिता की अदाकारी ने फूके प्राण।
मैं अटल हूँ से पहले रवि जाधव की तालिक, वेब सीरीज ताली की शुरुआत, संत तुकाराम की मराठी उक्ति, जे का डंजले गंजले, तुआसी हने जो आपूले, तोची साधु उठखा ववा देवे, तिथि ची जानवा से होती है। इसका हिंदी में भावार्थ है, जो व्यक्ति निराश्रित और वंचितों की सेवा करता है वो भगवान से कम नहीं है। इस पूरी सीरीज का सार देखा जाए तो इसी एक पंक्ति में छुपा है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत की जीवन की सच्ची घटना पर बनी है ये सीरीज। गौरी ने ना सिर्फ ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए काम किया बल्कि ट्रांसजेंडर के हितों के लिए अदालती लड़ाई लड़ी और उन्हें समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का प्रेरक काम किया। गौरी सावंत को उनके समुदाय के लोग भगवान का दर्जा देते हैं। सुष्मिता सेन ने इस सीरीज में इन्हीं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत का किरदार निभाया है। खुद को निहारू, खुद को सवारू, सुध बुध खोयो जिया, जैसे गीत से माहौल साधती ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ क्लास में एक मासूम से बच्चे से पूछा जाता है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। वो कहता है कि माँ बनना है। इस जवाब को सुनकर सभी बच्चे हंसते हैं और टीचर की डांट भी पड़ती है। फिर भी उसके मन में सवाल है कि मर्द कभी माँ क्यों नहीं बन सकते। टीचर से जवाब मिलता है कि मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए वो माँ नहीं बन सकते। 5-6 साल के बच्चे के मन में ये जवाब बैठ जाता है और इसका जवाब उसे बड़े होने के बाद खुद से मिलता है। देव की नहीं बन सकती तो क्या हुआ, यशोदा ही सही, दोनों ही माँ है। इसी भावना के साथ गौरी सावंत अपने समुदाय के हितों के लिए काम करती है। गौरी सावंत जब अपने समुदाय के लोगों को पढ़ा लिखा कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गौरी सावंत कहती है कि यूएस में किसी को भी ताली बजा कर भीख मांगते नहीं देखा। उसके समुदाय के लोग कहते हैं कि ये तो सालों से चली आ रही हमारी परंपरा है। गौरी सावंत कहती है, हमारी परंपरा में शिखंडी भी एक ऐसा राजा था जो बिल्कुल हमारी तरह से था, लेकिन वो लड़ा और जीता भी। हमें भी लड़ाई जीतनी है और हम अपनी लड़ाई तभी जीतेंगे जब हम शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे तो काम और इज्जत दोनों मिलेगी और कोई उल्लू नहीं बना सकेगा। सीरीज ताली के कुछ दृश्य बेहद ही मर्मिक है। मसलन गणेश बड़ा होकर गहन सर्जरी से गुजरकर ट्रांसजेंडर बनने का फैसला करता है। एक तरह हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही है और दूसरी तरफ उसके पिता उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसजेंडर को समान अधिकार मिल जाता है और गौरी सावंत टीवी इंटरव्यू में कहती है, तू मुश्किल दे दे भगवान मैं आसान करूं, तू दे तपती रेत मैं गुलिस्तां करूं, तू पहाड़ बना दे जितने मैं उसमें सुरंग बनूं, तू लाख गिरा दे बिजली मुझ पर मैं तो सतरंग बनूं। ये सुनकर गौरी सावंत के पिता का सीना गर्व से फूल जाता है, लेकिन सामाजिक भेदभाव के चलते उन्हें गणेश को कभी भी अपने बेटे का दर्जा नहीं दिया। गौरी सावंत को इस बात का दर्द जीवन भर रहा। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए गौरी सावंत को पहली लड़ाई अपने लोगों से ही लड़नी पड़ती है और इस किरदार में सुष्मिता सेन ने अपने अभिनय से प्राण फूंक दिए हैं। उनका एक एक भाव, एक एक संवाद देखने लायक है। वेब सीरीज ताली का निर्देशन रवि जाधव ने किया है। उनकी बनाई मराठी फिल्म बाल गंधर्व को उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इन दिनों वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की बायोपिक में मैं अटल हूँ का निर्देशन कर रहे हैं। रवि ने वेब सीरीज ताली में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं और उनके उत्थान की बात को बहुत ही गहराई से पेश किया है। हालांकि 6 एपिसोड की सीरीज की 2 से लेकर 5 एपिसोड की कहानी बहुत ही सुस्त है, पटकथा थोड़ी सी बिखरी हुई है। सीरीज को 6 एपिसोड की बजाय अगर 5 एपिसोड में बनाया गया होता तो कहानी का फ्लो बना रहता। सुष्मिता सेन ने ट्रांसजेंडर गौरी सावंत की भूमिका को बहुत ही प्रभावी ढंग से निभाया है। वेब सीरीज की पूरी बागडोर उन्हीं के कंधों पर टिकी हुई है और इस किरदार के साथ पूरी तरह से उन्होंने न्याय करने की कोशिश भी की है। सीरीज के बाकी कलाकारों में नितेश राठौर, अंकुर भाटिया, कृतिका देव, ऐश्वर्या नारकर, विक्रम भाम और अनंत महादेवन अपनी अपनी भूमिकाओं पर खड़े उतरे हैं। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, खास करके टॉप एंगल से लिए गए शॉट्स तो बहुत ही खूबसूरत है। सीरीज का संपादन सुस्त है, बहुत सारे ऐसे दृश्य है कि उन्हें
का मन करता है। ऐसे दृश्य को एडिट करके सीरीज को और भी रोचक बनाया जा सकता था। सीरीज की पृष्ठभूमि क्योंकि महाराष्ट्र है और इसका कलेवर भी पूरी तरह मराठी है, लिहाजा उत्तर भारतीय दर्शकों को इसमें अपने स्वादानुसार रस की कमी दिख सकती है। आदित्य शर्मा और नेहा कसलीवाल एक रिश्ते में है जिसे एक रात चुनौती मिलती है जब ये डेट पर जाते हैं और रात के अंधेरे में खुद को पुलिस कर्मी बताने वाले दो लोगों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। क्या वो रात उनके रिश्ते की दिशा बदल देगी? सिद्धांत गुप्ता ने आदित्य शर्मा का किरदार निभाया है जो अपनी बहन और माँ के साथ मुंबई के उपनगरीय इलाके में रहता है। नेहा कसलीवाल वेदिका पिंटो द्वारा अभिनीत एक छात्रा है जो एक पेशेवर पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ये प्यार में है और शायद चीजों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। ये तारीख की रात और नेहा का जन्मदिन है जब ये एक साथ शहर से बाहर है। जैसे ही ये एक दूसरे के साथ रोमांटिक रूप से आराम कर रहे थे, दो आदमी मंगेश और किरण खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए सार्वजनिक पार्किंग स्थल में उनके साथ छेड़खानी करने के लिए उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। रात कैसा आदित्य और नेहा के रिश्ते पर भारी पड़ती है, ये कहानी का बाकी हिस्सा है। ये फिल्म 2019 मलयालम फिल्म इश्क नॉट ए लव स्टोरी की कथानक दर कथानक रीमेक है जिसमें अंध्र राष्ट्रवाद, नैतिक पुलिस सिंह और कठिन विकल्पों के बारे में बात करने के लिए एक तनावपूर्ण लड़के लड़की के रिश्ते का उपयोग किया गया है। वास्तव में इसके लिए कोई तख्ती उठाए बिना भले ही कथावास्तव में धीमी गति से चलती है, विशेष रूप से शरद किलकारा और किशोर कदम के प्रदर्शन ने बड़े पैमाने पर दिन बचा लिया। ये तथ्य कि ये सहजता से अपने पात्रों के प्रति क्रोध और घृणा जैसी भावनाओं को प्रेरित करते हैं, उनके पात्रों की त्वचा में घुसने की उनकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है। थ्रिलर पहलुओं को अच्छी तरह से बनाया गया है लेकिन अनंत फिल्म पूरी तरह से अलग मोड़ ले लेती है और अंत में सब कुछ ठीक से नहीं जुड़ पाता है। क्लाइमैक्स से पहले के क्षणों को छोड़कर सिद्धांत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वेदिका को स्क्रीन पर कम समय मिलता है लेकिन वो स्क्रीन पर आश्वस्त और सहज है। मुख्य जोड़ी को अभी लंबा सफर तय करना है लेकिन उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। मूल फिल्म एक छोटे शहर पर आधारित थी जहां उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से किसी के साथ रोमांस करना परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसी जगह पर पुलिस से निपटने में जोड़ों को भी परेशानी हो सकती है लेकिन जब सेटिंग को मुंबई जैसे महानगर में बदल दिया जाता है जहां आप जोड़ों को पूरे साल कई जगहों पर सार्वजनिक रूप से रोमांस करते हुए दिखने को मिल पाते हैं तो लेखकों और निर्देशकों को इस बदलाव को ध्यान में रखना होगा और नेपन को ध्यान में रखते हुए कहानी और पात्रों के साथ अलग व्यवहार करना होगा। मन के सेटिंग आदित्य जो एक कामकाजी पेशेवर है उत्पीड़न से निपटने में एक अजीब स्तर की असमर्थता और नेहा के लिए एक अजीब तरह की अधिकारिता प्रदर्शन करता है जो तुरंत गायब हो जाता है जब वो उसे ये बताने में असमर्थ होती है कि बंद दरवाजे के पीछे कार में क्या हुआ था। किसी भी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि वो ऐसा क्यों है। कभी कभी किसी पात्र के दिमाग में एक छोटी सी खिड़की दर्शक को उसकी यात्रा में शामिल करने में बहुत ही मदद करती है। यह भले ही आदित्य उलझा हुआ दिखता है लेकिन आप उसके लिए कुछ खास महसूस नहीं करते हैं। फिल्म की लंबाई संभावत इसे धीमी गति से दिखाने के लिए 135 मिनट तक रखी गई, वास्तव में दर्दनाक रूप से लंबी लगती है। संगीत बिल्कुल ठीक है। संक्षेप में ये एक थ्रिलर प्रेम कहानी है जिसे एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए चतुराई और तीव्रता से दोबारा बनाया जा सकता था। अफसोस ये मोड़ चूक जाता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गौरी की कहानी में सुष्मिता की अदाकारी ने फूंके प्राण में अटल हूँ से पहले रवि जाधव की ताली। वेब सीरीज ताली की शुरुआत संत तुकाराम की मराठी उक्ति जे का डंजले गंजले तुआसी हने जो आपूले तोची साधु उठखावा देवे तिथिची जानवा से होती है। इसका हिंदी में भावार्था है जो व्यक्ति निराश्रित और वंचितों की सेवा करता है वो भगवान से कम नहीं है। इस पूरी सीरीज का सार देखा जाए तो इसी एक पंक्ति में छुपा है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत की जीवन की सच्ची घटना पर बनी है ये सीरीज।
गौरी ने न सिर्फ ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए काम किया बल्कि ट्रांसजेंडर के हितों के लिए अदालती लड़ाई लड़ी और उन्हें समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का प्रेरक काम किया। गौरी सावंत को उनके समुदाय के लोग भगवान का दर्जा देते हैं। सुष्मिता सेन ने इस सीरीज में इन्हीं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत का किरदार निभाया है। खुद को निहारू, खुद को सवारू, सुद बुद्ध खोयो जिया जैसे गीत से माहौल साधती ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ क्लास में एक मासूम से बच्चे से पूछा जाता है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। वो कहता है कि माँ बनना है। इस जवाब को सुनकर सभी बच्चे हंसते हैं और टीचर की डांट भी पड़ती है। फिर भी उसके मन में सवाल है कि मर्द कभी माँ क्यों नहीं बन सकते। टीचर से जवाब मिलता है कि मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए वो माँ नहीं बन सकते। 5-6 साल के बच्चे के मन में ये जवाब बैठ जाता है और इसका जवाब उसे बड़े होने के बाद खुद से मिलता है। देव की नहीं बन सकती तो क्या हुआ, यशोदा ही सही, दोनों ही माँ है। इसी भावना के साथ गौरी सावंत अपने समुदाय के हितों के लिए काम करती है। गौरी सावंत जब अपने समुदाय के लोगों को पढ़ा लिखा कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गौरी सावंत कहती है कि US में किसी को भी ताली बजा कर भीख मांगते नहीं देखा। उसके समुदाय के लोग कहते हैं कि ये तो सालों से चली आ रही हमारी परंपरा है। गौरी सावंत कहती है हमारी परंपरा में शिखंडी भी एक ऐसा राजा था जो बिल्कुल हमारी तरह से था, लेकिन वो लड़ा और जीता भी। हमें भी लड़ाई जीतनी है और हम अपनी लड़ाई तभी जीतेंगे जब हम शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे तो काम और इज्जत दोनों मिलेगी और कोई उल्लू नहीं बना सकेगा। सीडी ताली के कुछ दृश्य बेहद ही मर्मिक है। मसलन गणेश बड़ा होकर गहन सर्जरी से गुजरकर ट्रांसजेंडर बनने का फैसला करता है। एक तरह हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही है और दूसरी तरफ उसके पिता उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसजेंडर को समान अधिकार मिल जाता है और गौरी सावंत टीवी इंटरव्यू में कहती है तू मुश्किल दे रे भगवान में आसान करू, तू दे तपती रेत में गुलिस्तां करू, तू पहाड़ बना दे जितने में उसमें सुरंग बनू, तू लाख गिरा दे बिजली मुझ पर मैं तो सतरंग बनू। ये सुनकर गौरी सावंत के पिता का सीना गर्व से फूल जाता है, लेकिन सामाजिक भेदभाव के चलते उन्हें गणेश को कभी भी अपने बेटे का दर्जा नहीं दिया। गौरी सावंत को इस बात का दर्द जीवन भर रहा। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए गौरी सावंत को पहली लड़ाई अपने लोगों से ही लड़नी पड़ती है और इस किरदार में सुष्मिता सेन ने अपने अभिनय से प्राण फूंक दिए हैं। उनका एक एक भाव, एक एक संवाद देखने लायक है। वेब सीरीज ताली का निर्देशन रवि जाधव ने किया है। उनकी बनाई मराठी फिल्म बाल गंधर्व को उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इन दिनों वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की बायोपिक में मैं अटल हूँ का निर्देशन कर रहे हैं। रवि ने वेब सीरीज ताली में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं और उनके उत्थान की बात को बहुत ही गहराई से पेश किया है। हालांकि 6 एपिसोड की सीरीज की 2 से लेकर 5 एपिसोड की कहानी बहुत ही सुस्त है, पर कथा थोड़ी सी बिखरी हुई है। सीरीज को 6 एपिसोड की बजाय अगर 5 एपिसोड में बनाया गया होता तो कहानी का फ्लो बना रहता। सुष्मिता सेन ने ट्रांसजेंडर गौरी सावंत की भूमिका को बहुत ही प्रभावी ढंग से निभाया है। वेब सीरीज की पूरी बागडोर उन्हीं के कंधों पर टिकी हुई है और इस किरदार के साथ पूरी तरह से उन्होंने न्याय करने की कोशिश भी की है। सीरीज के बाकी कलाकारों में नितेश राठौर, अंकुर भाटिया, कृतिका देव, ऐश्वर्या नारकर, विक्रम भाम और अनंत महादेवन अपनी अपनी भूमिकाओं पर खड़े उतरे हैं। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, खास करके टॉप एंगल से लिए गए शॉट्स तो बहुत ही खूबसूरत है। सीरीज का संपादन सुस्त है, बहुत सारे ऐसे दृश्य है कि उन्हें फर्स्ट फॉरवर्ड करने का मन करता है। ऐसे दृश्य को एडिट करके सीरीज को और भी रोचक बनाया जा सकता था। सीरीज की पृष्ठभूमि क्योंकि महाराष्ट्र है और इसका कलेवर भी पूरी तरह मराठी है, लिहाजा उत्तर भारतीय दर्शकों को इसमें अपने स्वादानुसार रस की कमी दिख सकती है। आदित्य शर्मा और नेहा
कसलीवाल एक रिश्ते में है जिसे एक रात चुनौती मिलती है जब ये डेट पर जाते हैं और रात के अंधेरे में खुद को पुलिसकर्मी बताने वाले दो लोगों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। क्या वो रात उनके रिश्ते की दिशा बदल देगी? सिद्धांत गुप्ता ने आदित्य शर्मा का किरदार निभाया है जो अपनी बहन और माँ के साथ मुंबई के उपनगरीय इलाके में रहता है। नेहा कसलीवाल वेदिका पिंटो द्वारा अभिनीत एक छात्रा है जो एक पेशेवर पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ये प्यार में है और शायद चीजों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। ये तारीख की रात और नेहा का जन्मदिन है जब ये एक साथ शहर से बाहर है। जैसे ही ये एक दूसरे के साथ रोमांटिक रूप से आराम कर रहे थे, दो आदमी मंगेश और किरण खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए सार्वजनिक पार्किंग स्थल में उनके साथ छेड़खानी करने के लिए उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। रात कैसा आदित्य और नेहा के रिश्ते पर भारी पड़ती है, ये कहानी का बाकी हिस्सा है। ये फिल्म 2019 मलयालम फिल्म इश्क नॉट ए लव स्टोरी की कथानक दर कथानक रीमेक है जिसमें अंध्र राष्ट्रवाद, नैतिक पुलिसिंग और कठिन विकल्पों के बारे में बात करने के लिए एक तनावपूर्ण लड़के लड़की के रिश्ते का उपयोग किया गया है। वास्तव में इसके लिए कोई तख्ती उठाए बिना भले ही क्या था, वास्तव में धीमी गति से चलती है। विशेष रूप से शरद किलकर और किशोर कदम के प्रदर्शन ने बड़े पैमाने पर दिन बचा लिया। ये तथ्य कि ये सहजता से अपने पात्रों के प्रति क्रोध और घृणा जैसी भावनाओं को प्रेरित करते हैं, उनके पात्रों की त्वचा में घुसने की उनकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है। थ्रिलर पहलुओं को अच्छी तरह से बनाया गया है लेकिन अनंत फिल्म पूरी तरह से अलग मोड़ ले लेती है और अंत में सब कुछ ठीक से नहीं जुड़ पाता है। क्लाइमैक्स से पहले के क्षणों को छोड़कर सिद्धांत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वेदिका को स्क्रीन पर कम समय मिलता है लेकिन वो स्क्रीन पर आश्वस्त और सहज है। मुख्य जोड़ी को अभी लंबा सफर तय करना है लेकिन उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। मूल फिल्म एक छोटे शहर पर आधारित थी जहां उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से किसी के साथ रोमांस करना परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसी जगहों पर पुलिस से निपटने में जोड़ों को भी परेशानी हो सकती है लेकिन जब सेटिंग को मुंबई जैसे महानगर में बदल दिया जाता है जहां आप जोड़ों को पूरे साल कई जगहों पर सार्वजनिक रूप से रोमांस करते हुए दिखने को मिल पाते हैं तो लेखकों और निर्देशकों को इस बदलाव को ध्यान में रखना होगा और नेपन को ध्यान में रखते हुए कहानी और पात्रों के साथ अलग व्यवहार करना होगा। मन के सेटिंग आदित्य जो एक कामकाजी पेशेवर है उत्पीड़न से निपटने में एक अजीब स्तर की असमर्थता और नेहा के लिए एक अजीब तरह की अधिकारिता प्रदर्शन करता है जो तुरंत गायब हो जाता है जब वो उसे ये बताने में असमर्थ होती है कि बंद दरवाजे के पीछे कार में क्या हुआ था। किसी भी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि वो ऐसा क्यों है। कभी कभी किसी पात्र के दिमाग में एक छोटी सी खिड़की दर्शक को उसकी यात्रा में शामिल करने में बहुत ही मदद करती है। यह भले ही आदित्य उलझा हुआ दिखता है लेकिन आप उसके लिए कुछ खास महसूस नहीं करते हैं। फिल्म की लंबाई संभावत इसे धीमी गति से दिखाने के लिए 135 मिनट तक रखी गई, वास्तव में दर्दनाक रूप से लंबी लगती है। संगीत बिल्कुल ठीक है। संक्षेप में ये एक थ्रिलर प्रेम कहानी है जिसे एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए चतुराई और तीव्रता से दोबारा बनाया जा सकता था। अफसोस ये मोड़ चूक जाता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Netflix पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Netflix पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Netflix का सब्सक्रिप्शन है। गौरी की कहानी में सुष्मिता की अदाकारी ने फूके प्राण, मैं अटल हूँ से पहले रवि जाधव की तारीख, वेब सीरीज तारीख की शुरुआत, संत तुकाराम की मराठी उक्ति, जे का डंजले गंजले, तुआसी हने जो आपूले, तुची साधु उठखावा देवे, तिथि ची जानवा से होती है। इसका हिंदी में भावार्था है जो व्यक्ति निराश्रित और वंचितों की सेवा करता है वो भगवान से कम नहीं है। इस पूरी सीरीज का सार देखा जाए तो इसी एक पंक्ति में छुपा है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत की जीवन की सच्ची घटना पर बनी है ये सीरीज। गौरी ने न सिर्फ ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए काम किया बल्कि ट्रांसजेंडर के हितों के लिए अदालती लड़ाई लड़ी और उन्हें समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का प्रेरक काम किया। गौरी सावंत को उनके समुदाय के लोग भगवान का दर्जा देते हैं। सुष्मिता सेन ने इस सीरीज में इन्हीं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत का किरदार निभाया है। खुद को निहारू, खुद को सवारू, सुध बुध खोयो जिया,
जैसे गीत से माहौल साधती ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ क्लास में एक मासूम से बच्चे से पूछा जाता है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। वो कहता है कि माँ बनना है। इस जवाब को सुनकर सभी बच्चे हंसते हैं और टीचर की डांट भी पड़ती है। फिर भी उसके मन में सवाल है कि मर्द कभी माँ क्यों नहीं बन सकते। टीचर से जवाब मिलता है कि मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए वो माँ नहीं बन सकते। 5-6 साल के बच्चे के मन में ये जवाब बैठ जाता है और इसका जवाब उसे बड़े होने के बाद खुद से मिलता है। देवकी नहीं बन सकती तो क्या हुआ, यशोदा ही सही, दोनों ही माँ है। इसी भावना के साथ गौरी सावंत अपने समुदाय के हितों के लिए काम करती है। गौरी सावंत जब अपने समुदाय के लोगों को पढ़ा लिखा कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गौरी सावंत कहती है कि यूएस में किसी को भी ताली बजाकर भीख मांगते नहीं देखा। उसके समुदाय के लोग कहते हैं कि ये तो सालों से चली आ रही हमारी परंपरा है। गौरी सावंत कहती है हमारी परंपरा में शिखंडी भी एक ऐसा राजा था जो बिल्कुल हमारी तरह से था, लेकिन वो लड़ा और जीता भी। हमें भी लड़ाई जीतनी है और हम अपनी लड़ाई तभी जीतेंगे जब हम शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे तो काम और इज्जत दोनों मिलेगी और कोई उल्लू नहीं बना सकेगा। सीडी ताली के कुछ दृश्य बेहद ही मर्मिक है। मसलन गणेश बड़ा होकर गहन सर्जरी से गुजरकर ट्रांसजेंडर बनने का फैसला करता है। एक तरह हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही है और दूसरी तरफ उसके पिता उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसजेंडर को समान अधिकार मिल जाता है और गौरी सावंत टीवी इंटरव्यू में कहती है तू मुश्किल दे रे भगवान मैं आसान करूँ, तू दे तपती रेत मैं गुलिस्तां करूँ, तू पहाड़ बना दे जितने मैं उसमें सुरंग बनूं, तू लाख गिरा दे बिजली मुझ पर मैं तो सतरंग बनूं। ये सुनकर गौरी सावंत के पिता का सीना गर्व से फूल जाता है, लेकिन सामाजिक भेदभाव के चलते उन्हें गणेश को कभी भी अपने बेटे का दर्जा नहीं दिया। गौरी सावंत को इस बात का दर्द जीवन भर रहा। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए गौरी सावंत को पहली लड़ाई अपने लोगों से ही लड़नी पड़ती है और इस किरदार में सुष्मिता सेन ने अपने अभिनय से प्राण फूंक दिए हैं। उनका एक एक भाव एक एक संवाद देखने लायक है। वेब सीरीज ताली का निर्देशन रवि जाधव ने किया है। उनकी बनाई मराठी फिल्म बाल गंधर्व को उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इन दिनों वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की बायोपिक में मैं अटल हूँ का निर्देशन कर रहे हैं। रवि ने वेब सीरीज ताली में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं और उनके उत्थान की बात को बहुत ही गहराई से पेश किया है। हालांकि 6 एपिसोड की सीरीज की 2 से लेकर 5 एपिसोड की कहानी बहुत ही सुस्त है, पटकथा थोड़ी सी बिखरी हुई है। सीरीज को 6 एपिसोड की बजाय अगर 5 एपिसोड में बनाया गया होता तो कहानी का फ्लो बना रहता। सुष्मिता सेन ने ट्रांसजेंडर गौरी सावंत की भूमिका को बहुत ही प्रभावी ढंग से निभाया है। वेब सीरीज की पूरी बागडोर उन्हीं के कंधों पर टिकी हुई है और इस किरदार के साथ पूरी तरह से उन्होंने न्याय करने की कोशिश भी की है। सीरीज के बाकी कलाकारों में नितेश राठौर, अंकुर भाटिया, कृतिका देव, ऐश्वर्या नारकर, विक्रम भाम और अनंत महादेवन अपनी अपनी भूमिकाओं पर खड़े उतरे हैं। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, खास करके टॉप एंगल से लिए गए शॉट्स तो बहुत ही खूबसूरत है। सीरीज का संपादन सुस्त है, बहुत सारे ऐसे दृश्य है कि उन्हें फर्स्ट फॉरवर्ड करने का मन करता है। ऐसे दृश्य को एडिट करके सीरीज को और भी रोचक बनाया जा सकता था। सीरीज की पृष्ठभूमि क्योंकि महाराष्ट्र है और इसका कलेवर भी पूरी तरह मराठी है, लिहाजा उत्तर भारतीय दर्शकों को इसमें अपने स्वादानुसार रस की कमी दिख सकती है। आदित्य शर्मा और नेहा कसलीवाल एक रिश्ते में है जिसे एक रात चुनौती मिलती है जब ये डेट पर जाते हैं और रात के अंधेरे में खुद को पुलिसकर्मी बताने वाले 2 लोगों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। क्या वो रात उनके रिश्ते की दिशा बदल देगी? सिद्धांत गुप्ता ने आदित्य शर्मा का किरदार निभाया है जो अपनी बहन और माँ के साथ मुंबई के उपनगरीय इलाके में रहता है। नेहा कसलीवाल वेदिका पिंटो द्वारा अभिनीत एक छात्रा है जो एक पेशेवर पाठ्यक्रम में लगी हुई है।
ये प्यार में है और शायद चीजों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। ये तारीख की रात और नेहा का जन्मदिन है जब ये एक साथ शहर से बाहर है। जैसे ही ये एक दूसरे के साथ रोमांटिक रूप से आराम कर रहे थे, दो आदमी मंगेश और किरण खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए सार्वजनिक पार्किंग स्थल में उनके साथ छेड़खानी करने के लिए उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। रात कैसा आदित्य और नेहा के रिश्ते पर भारी पड़ती है, ये कहानी का वाकई हिस्सा है। ये फिल्म 2019 मलयालम फिल्म इश्क नॉट ए लव स्टोरी की कथानक दर कथानक रीमेक है, जिसमें अंध्र राष्ट्रवाद, नैतिक पुलिस सिंह और कठिन विकल्पों के बारे में बात करने के लिए एक तनावपूर्ण लड़के लड़की के रिश्ते का उपयोग किया गया है। वास्तव में इसके लिए कोई तख्ती उठाए बिना भले ही क्या था, वास्तव में धीमी गति से चलती है। विशेष रूप से शरद किलकारा और किशोर कदम के प्रदर्शन ने बड़े पैमाने पर दिन बचा लिया। ये तथ्य कि ये सहजता से अपने पात्रों के प्रति क्रोध और घृणा जैसी भावनाओं को प्रेरित करते हैं, उनके पात्रों की त्वचा में घुसने की उनकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है। थ्रिलर पहलुओं को अच्छी तरह से बनाया गया है, लेकिन अनंत फिल्म पूरी तरह से अलग मोड़ ले लेती है और अंत में सब कुछ ठीक से नहीं जुड़ पाता है। क्लाइमैक्स से पहले के क्षणों को छोड़कर सिद्धांत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वेदिका को स्क्रीन पर कम समय मिलता है, लेकिन वो स्क्रीन पर आश्वस्त और सहज है। मुख्य जोड़ी को अभी लंबा सफर तय करना है, लेकिन उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। मूल फिल्म एक छोटे शहर पर आधारित थी, जहां उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से किसी के साथ रोमांस करना परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसी जगह पर पुलिस से निपटने में जोड़ों को भी परेशानी हो सकती है, लेकिन जब सेटिंग को मुंबई जैसे महानगर में बदल दिया जाता है, जहां आप जोड़ों को पूरे साल कई जगहों पर सार्वजनिक रूप से रोमांस करते हुए दिखने को मिल पाते हैं, तो लेखकों और निर्देशकों को इस बदलाव को ध्यान में रखना होगा और नेपन को ध्यान में रखते हुए कहानी और पात्रों के साथ अलग व्यवहार करना होगा। मन के सेटिंग। आदित्य जो एक कामकाजी पेशेवार है, उत्पीड़न से निपटने में एक अजीब स्तर की असमर्थता और नेहा के लिए एक अजीब तरह की अधिकारिता प्रदर्शन करता है, जो तुरंत गायब हो जाता है जब वो उसे ये बताने में असमर्थ होती है कि बंद दरवाजे के पीछे कार में क्या हुआ था। किसी भी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि वो ऐसा क्यों है। कभी कभी किसी पात्र के दिमाग में एक छोटी सी खिड़की दर्शक को उसकी यात्रा में शामिल करने में बहुत ही मदद करती है। यह भले ही आदित्य उलझा हुआ दिखता है, लेकिन आप उसके लिए कुछ खास महसूस नहीं करते हैं। फिल्म की लंबाई संभावत इसे धीमी गति से दिखाने के लिए 135 मिनट तक रखी गई, वास्तव में दर्दनाक रूप से लंबी लगती है। संगीत बिल्कुल ठीक है। संक्षेप में, ये एक थ्रिलर प्रेम कहानी है जिसे एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए चतुराई और तीव्रता से दोबारा बनाया जा सकता था, अफसोस ये मोड़ चूक जाता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गौरी की कहानी में सुष्मिता की अदाकारी ने फूंके प्राण, मैं अटल हूँ से पहले रवि जाधव की तारीख, वेब सीरीज ताली की शुरुआत, संत तुकाराम की मराठी उक्ति, जे का डंजले गंजले, त्वासे हने जो आपूले, तोची साधु उठखा ववा देवे, तिथि ची जानवा से होती है। इसका हिंदी में भावार्थ है, जो व्यक्ति निराश्रित और वंचितों की सेवा करता है वो भगवान से कम नहीं है। इस पूरी सीरीज का सार देखा जाए तो इसे एक पंक्ति में छुपा है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत के जीवन की सच्ची घटना पर बनी है ये सीरीज। गौरी ने न सिर्फ ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए काम किया, बल्कि ट्रांसजेंडर के हितों के लिए अदालती लड़ाई लड़ी और उन्हें समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का प्रेरक काम किया। गौरी सावंत को उनके समुदाय के लोग भगवान का दर्जा देते हैं। सुष्मिता सेन ने इस सीरीज में इन्हीं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत का किरदार निभाया है। खुद को निहारो, खुद को संवारो, सुध-बुध खोयो जिया, जैसे गीत से माहौल साधती ये कहानी वहाँ से शुरू होती है, जहाँ क्लास में एक मासूम से बच्चे से पूछा जाता है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। वो कहता है कि माँ बनना है। इस जवाब को सुनकर सभी बच्चे हंसते हैं और टीचर की डांट भी पड़ती है। फिर भी उसके मन में सवाल है कि मर्द कभी माँ क्यों नहीं बन सकते। टीचर से जवाब मिलता है कि मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए वो माँ नहीं बन सकते। 5-6 साल के बच्चे के मन में ये जवाब बैठ जाता है।
और इसका जवाब उसे बड़े होने के बाद खुद से मिलता है। देवकी नहीं बन सकती तो क्या हुआ, यशोदा ही सही, दोनों ही माँ है। इसी भावना के साथ गौरी सावंत अपने समुदाय के हितों के लिए काम करती है। गौरी सावंत जब अपने समुदाय के लोगों को पढ़ा लिखा कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गौरी सावंत कहती है कि यूएस में किसी को भी ताली बजाकर भीख मांगते नहीं देखा। उसके समुदाय के लोग कहते हैं कि ये तो सालों से चली आ रही हमारी परंपरा है। गौरी सावंत कहती है, हमारी परंपरा में शिखंडी भी एक ऐसा राजा था जो बिल्कुल हमारी तरह से था, लेकिन वो लड़ा और जीता भी। हमें भी लड़ाई जीतनी है और हम अपनी लड़ाई तभी जीतेंगे जब हम शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे तो काम और इज्जत दोनों मिलेगी और कोई उल्लू नहीं बना सकेगा। सीडी ताली के कुछ दृश्य बेहद ही मर्मिक है। मसलन गणेश बड़ा होकर गहन सर्जरी से गुजरकर ट्रांसजेंडर बनने का फैसला करता है। एक तरह हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही है और दूसरी तरफ उसके पिता उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसजेंडर को समान अधिकार मिल जाता है और गौरी सावंत टीवी इंटरव्यू में कहती है, तू मुश्किल दे दे भगवान मैं आसान करूं, तू दे तपती रेत मैं गुलिस्तां करूं, तू पहाड़ बना दे जितने मैं उसमें सुरंग बनूं, तू लाख गिरा दे बिजली मुझ पर मैं तो सतरंग बनूं। ये सुनकर गौरी सावंत के पिता का सीना गर्व से फूल जाता है, लेकिन सामाजिक भेदभाव के चलते उन्हें गणेश को कभी भी अपने बेटे का दर्जा नहीं दिया। गौरी सावंत को इस बात का दर्द जीवन भर रहा। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए गौरी सावंत को पहली लड़ाई अपने लोगों से ही लड़नी पड़ती है और इस किरदार में सुष्मिता सेन ने अपने अभिनय से प्राण फूंक दिए है। उनका एक एक भाव एक एक संवाद देखने लायक है। वेब सीरीज ताली का निर्देशन रवि जाधव ने किया है। उनकी बनाई मराठी फिल्म बाल गंधर्व को उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इन दिनों वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की बायोपिक में मैं अटल हूँ का निर्देशन कर रहे हैं। रवि ने वेब सीरीज ताली में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं और उनके उत्थान की बात को बहुत ही गहराई से पेश किया है। हालांकि 6 एपिसोड की सीरीज की 2 से लेकर 5 एपिसोड की कहानी बहुत ही सुस्त है, पर कथा थोड़ी सी बिखरी हुई है। सीरीज को 6 एपिसोड की बजाय अगर 5 एपिसोड में बनाया गया होता तो कहानी का फ्लो बना रहता। सुष्मिता सेन ने ट्रांसजेंडर गौरी सावंत की भूमिका को बहुत ही प्रभावी ढंग से निभाया है। वेब सीरीज की पूरी बागडोर उन्हीं के कंधों पर टिकी हुई है और इस किरदार के साथ पूरी तरह से उन्होंने न्याय करने की कोशिश भी की है। सीरीज के बाकी कलाकारों में नितेश राठौर, अंकुर भाटिया, कृतिका देव, ऐश्वर्या नारकर, विक्रम भाम और अनंत महादेवन अपनी अपनी भूमिकाओं पर खड़े उतरे हैं। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, खास करके टॉप एंगल से लिए गए शॉट्स तो बहुत ही खूबसूरत है। सीरीज का संपादन सुस्त है, बहुत सारे ऐसे दृश्य है कि उन्हें फर्स्ट फॉरवर्ड करने का मन करता है। ऐसे दृश्य को एडिट करके सीरीज को और भी रोचक बनाया जा सकता था। सीरीज की पृष्ठभूमि क्योंकि महाराष्ट्र है और इसका कलेवर भी पूरी तरह मराठी है, लिहाजा उत्तर भारतीय दर्शकों को इसमें अपने स्वादानुसार रस की कमी दिख सकती है। आदित्य शर्मा और नेहा कसलीवाल एक रिश्ते में है जिसे एक रात चुनौती मिलती है जब ये डेट पर जाते हैं और रात के अंधेरे में खुद को पुलिस कर्मी बताने वाले दो लोगों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। क्या वो रात उनके रिश्ते की दिशा बदल देगी? सिद्धांत गुप्ता ने आदित्य शर्मा का किरदार निभाया है जो अपनी बहन और माँ के साथ मुंबई के उपनगरीय इलाके में रहता है। नेहा कसलीवाल वेदिका पिंटो द्वारा अभिनीत एक छात्रा है जो एक पेशेवर पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ये प्यार में है और शायद चीजों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। ये तारीख की रात और नेहा का जन्मदिन है जब ये एक साथ शहर से बाहर है। जैसे ही ये एक दूसरे के साथ रोमांटिक रूप से आराम कर रहे थे, दो आदमी मंगेश और किरण खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए सार्वजनिक पार्किंग स्थल में उनके साथ छेड़खानी करने के लिए उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। रात कैसा आदित्य और नेहा के रिश्ते पर भारी पड़ती है, ये कहानी का बाकी हिस्सा है। ये फिल्म 2019 मलयालम फिल्म इश्क नॉट ए लव स्टोरी की कथानक दर कथानक रीमेक है जिसमें अंधराष्ट्रवाद, नैतिक पुलिस सिंह और
कठिन विकल्पों के बारे में बात करने के लिए एक तनावपूर्ण लड़के लड़की के रिश्ते का उपयोग किया गया है। वास्तव में इसके लिए कोई तख्ती उठाए बिना भले ही क्या था, वास्तव में धीमी गति से चलती है। विशेष रूप से शरद किलकर और किशोर कदम के प्रदर्शन ने बड़े पैमाने पर दिन बचा लिया। ये तथ्य कि ये सहजता से अपने पात्रों के प्रति क्रोध और घृणा जैसी भावनाओं को प्रेरित करते हैं, उनके पात्रों की त्वचा में घुसने की उनकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है। थ्रिलर पहलुओं को अच्छी तरह से बनाया गया है, लेकिन अनंत फिल्म पूरी तरह से अलग मोड़ ले लेती है और अंत में सब कुछ ठीक से नहीं जुड़ पाता है। क्लाइमैक्स से पहले के क्षणों को छोड़कर सिद्धांत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वेदिका को स्क्रीन पर कम समय मिलता है, लेकिन वो स्क्रीन पर आश्वस्त और सहज है। मुख्य जोड़ी को अभी लंबा सफर तय करना है, लेकिन उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। मूल फिल्म एक छोटे शहर पर आधारित थी, जहां उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से किसी के साथ रोमांस करना परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसी जगहों पर पुलिस से निपटने में जोड़ों को भी परेशानी हो सकती है, लेकिन जब सेटिंग को मुंबई जैसे महानगर में बदल दिया जाता है, जहां आप जोड़ों को पूरे साल कई जगहों पर सार्वजनिक रूप से रोमांस करते हुए दिखने को मिल पाते हैं, तो लेखकों और निर्देशकों को इस बदलाव को ध्यान में रखना होगा और नेपन को ध्यान में रखते हुए कहानी और पात्रों के साथ अलग व्यवहार करना होगा। मन के सेटिंग। आदित्य जो एक कामकाजी पेशेवार है, उत्पीड़न से निपटने में एक अजीब स्तर की असमर्थता और नेहा के लिए एक अजीब तरह की अधिकारिता प्रदर्शन करता है, जो तुरंत गायब हो जाता है जब वो उसे ये बताने में असमर्थ होती है कि बंद दरवाजे के पीछे कार में क्या हुआ था। किसी भी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि वो ऐसा क्यों है। कभी कभी किसी पात्र के दिमाग में एक छोटी सी खिड़की दर्शक को उसकी यात्रा में शामिल करने में बहुत ही मदद करती है। यह भले ही आदित्य उलझा हुआ दिखता है, लेकिन आप उसके लिए कुछ खास महसूस नहीं करते हैं। फिल्म की लंबाई संभावत इसे धीमी गति से दिखाने के लिए 135 मिनट तक रखी गई, वास्तव में दर्दनाक रूप से लंबी लगती है। संगीत बिल्कुल ठीक है। संक्षेप में, ये एक थ्रिलर प्रेम कहानी है जिसे एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए चतुराई और तीव्रता से दोबारा बनाया जा सकता था। अफसोस ये मोड़ चूक जाता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गौरी की कहानी में सुष्मिता की अदाकारी ने फूंके प्राण। मैं अटल हूँ से पहले रवि जाधव की ताली। वेब सीरीज ताली की शुरुआत संत तुकाराम की मराठी उक्ति जे का डंजले गंजले त्वासी हने जो आपूले तोची साधु उठखा ववा देवे तिथि ची जानवा से होती है। इसका हिंदी में भावार्था है, जो व्यक्ति निराश्रित और वंचितों की सेवा करता है वो भगवान से कम नहीं है। इस पूरी सीरीज का सार देखा जाए तो इसी एक पंक्ति में छुपा है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत के जीवन की सच्ची घटना पर बनी है ये सीरीज। गौरी ने न सिर्फ ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए काम किया, बल्कि ट्रांसजेंडर के हितों के लिए अदालती लड़ाई लड़ी और उन्हें समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का प्रेरक काम किया। गौरी सावंत को उनके समुदाय के लोग भगवान का दर्जा देते हैं। सुष्मिता सेन ने इस सीरीज में इन्हीं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत का किरदार निभाया है। खुद को निहारू, खुद को सवारू, सुध बुध खोयो जिया जैसे गीत से माहौल साधती ये कहानी वहाँ से शुरू होती है, जहाँ क्लास में एक मासूम से बच्चे से पूछा जाता है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। वो कहता है कि माँ बनना है। इस जवाब को सुनकर सभी बच्चे हंसते हैं और टीचर की डांट भी पड़ती है। फिर भी उसके मन में सवाल है कि मर्द कभी माँ क्यों नहीं बन सकते। टीचर से जवाब मिलता है कि मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए वो माँ नहीं बन सकते। 5-6 साल के बच्चे के मन में ये जवाब बैठ जाता है और इसका जवाब उसे बड़े होने के बाद खुद से मिलता है। देव की नहीं बन सकती तो क्या हुआ, यशोदा ही सही, दोनों ही माँ है। इसी भावना के साथ गौरी सावंत अपने समुदाय के हितों के लिए काम करती है। गौरी सावंत जब अपने समुदाय के लोगों को पढ़ा लिखा कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है, तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गौरी सावंत कहती है कि US में किसी को भी ताली बजा कर भीख मांगते नहीं देखा। उसके समुदाय के लोग कहते हैं कि ये तो सालों से चली आ रही हमारी परंपरा है। गौरी सावंत कहती है, हमारी परंपरा में शिखंडी भी एक ऐसा राजा था जो बिल्कुल हमारी तरह से था, लेकिन वो
लड़ा और जीता भी। हमें भी लड़ाई जीतनी है और हम अपनी लड़ाई तभी जीतेंगे जब हम शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे तो काम और इज्जत दोनों मिलेगी और कोई उल्लू नहीं बना सकेगा। सीडीस ताली के कुछ दृश्य बेहद ही मर्मिक है। मसलन गणेश बड़ा होकर गहन सर्जरी से गुजरकर ट्रांसजेंडर बनने का फैसला करता है। एक तरह हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही है और दूसरी तरफ उसके पिता उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसजेंडर को समान अधिकार मिल जाता है और गौरी सावन टीवी इंटरव्यू में कहती है, तू मुश्किल दे रे भगवान मैं आसान करूँ, तू दे तपती रेत मैं गुलिस्तां करूँ, तू पहाड़ बना दे जितने मैं उसमें सुरंग बनूं, तू लाख गिरा दे बिजली मुझ पर मैं तो सतरंग बनूं। ये सुनकर गौरी सावंत के पिता का सीना गर्व से फूल जाता है, लेकिन सामाजिक भेदभाव के चलते उन्हें गणेश को कभी भी अपने बेटे का दर्जा नहीं दिया। गौरी सावंत को इस बात का दर्द जीवन भर रहा। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए गौरी सावंत को पहली लड़ाई अपने लोगों से ही लड़नी पड़ती है और इस किरदार में सुष्मिता सेन ने अपने अभिनय से प्राण फूंक दिए हैं। उनका एक एक भाव एक एक संवाद देखने लायक है। वेब सीरीज ताली का निर्देशन रवि जाधव ने किया है। उनकी बनाई मराठी फिल्म बाल गंधर्व को उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इन दिनों वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की बायोपिक में मैं अटल हूँ का निर्देशन कर रहे हैं। रवि ने वेब सीरीज ताली में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं और उनके उत्थान की बात को बहुत ही गहराई से पेश किया है। हालांकि 6 एपिसोड की सीरीज की 2 से लेकर 5 एपिसोड की कहानी बहुत ही सुस्त है, पटकथा थोड़ी सी बिखरी हुई है। सीरीज को 6 एपिसोड की बजाय अगर 5 एपिसोड में बनाया गया होता तो कहानी का फ्लो बना रहता। सुष्मिता सेन ने ट्रांसजेंडर गौरी सावंत की भूमिका को बहुत ही प्रभावी ढंग से निभाया है। वेब सीरीज की पूरी बागडोर उन्हीं के कंधों पर टिकी हुई है और इस किरदार के साथ पूरी तरह से उन्होंने न्याय करने की कोशिश भी की है। सीरीज के बाकी कलाकारों में नितेश राठौड़, अंकुर भाटिया, कृतिका देव, ऐश्वर्या नारकर, विक्रम भाम और अनंत महादेवन अपनी अपनी भूमिकाओं पर खड़े उतरे हैं। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, खास करके टॉप एंगल से लिए गए शॉट्स तो बहुत ही खूबसूरत है। सीरीज का संपादन सुस्त है, बहुत सारे ऐसे दृश्य है कि उन्हें फर्स्ट फॉरवर्ड करने का मन करता है। ऐसे दृश्य को एडिट करके सीरीज को और भी रोचक बनाया जा सकता था। सीरीज की पृष्ठभूमि क्योंकि महाराष्ट्र है और इसका कलेवर भी पूरी तरह मराठी है, लिहाजा उत्तर भारतीय दर्शकों को इसमें अपने स्वादानुसार रस की कमी दिख सकती है। आदित्य शर्मा और नेहा कसलीवाल एक रिश्ते में है जिसे एक रात चुनौती मिलती है जब ये डेट पर जाते हैं और रात के अंधेरे में खुद को पुलिस कर्मी बताने वाले दो लोगों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। क्या वो रात उनके रिश्ते की दिशा बदल देगी? सिद्धांत गुप्ता ने आदित्य शर्मा का किरदार निभाया है जो अपनी बहन और माँ के साथ मुंबई के उपनगरीय इलाके में रहता है। नेहा कसलीवाल वेदिका पिंटो द्वारा अभिनीत एक छात्रा है जो एक पेशेवर पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ये प्यार में है और शायद चीजों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। ये तारीख की रात और नेहा का जन्मदिन है जब ये एक साथ शहर से बाहर है। जैसे ही ये एक दूसरे के साथ रोमांटिक रूप से आराम कर रहे थे, दो आदमी मंगेश और किरण खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए सार्वजनिक पार्किंग स्थल में उनके साथ छेड़खानी करने के लिए उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। रात कैसा आदित्य और नेहा के रिश्ते पर भारी पड़ती है, ये कहानी का बाकी हिस्सा है। ये फिल्म 2019 मलयालम फिल्म इश्क नॉट ए लव स्टोरी की कथानक दर कथानक रीमेक है जिसमें अंध्र राष्ट्रवाद, नैतिक पुलिसिंग और कठिन विकल्पों के बारे में बात करने के लिए एक तनावपूर्ण लड़के लड़की के रिश्ते का उपयोग किया गया है। वास्तव में इसके लिए कोई तख्ती उठाए बिना भले ही कथा वास्तव में धीमी गति से चलती है, विशेष रूप से शरद किलकर और किशोर कदम के प्रदर्शन ने बड़े पैमाने पर दिन बचा लिया। ये तथ्य कि ये सहजता से अपने पात्रों के प्रति क्रोध और घृणा जैसी भावनाओं को प्रेरित करते हैं, उनके पात्रों की त्वचा में घुसने की
उनकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है। थ्रिलर पहलुओं को अच्छी तरह से बनाया गया है, लेकिन अनंत फिल्म पूरी तरह से अलग मोड़ ले लेती है और अंत में सब कुछ ठीक से नहीं जुड़ पाता है। क्लाइमैक्स से पहले के क्षणों को छोड़कर सिद्धांत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वेदिका को स्क्रीन पर कम समय मिलता है, लेकिन वो स्क्रीन पर आश्वस्त और सहज है। मुख्य जोड़ी को अभी लंबा सफर तय करना है, लेकिन उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। मूल फिल्म एक छोटे शहर पर आधारित थी, जहां उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से किसी के साथ रोमांस करना परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसी जगह पर पुलिस से निपटने में जोड़ों को भी परेशानी हो सकती है, लेकिन जब सेटिंग को मुंबई जैसे महानगर में बदल दिया जाता है, जहां आप जोड़ों को पूरे साल कई जगहों पर सार्वजनिक रूप से रोमांस करते हुए दिखने को मिल पाते हैं, तो लेखकों और निर्देशकों को इस बदलाव को ध्यान में रखना होगा और नेपन को ध्यान में रखते हुए कहानी और पात्रों के साथ अलग व्यवहार करना होगा। मन के सेटिंग। आदित्य जो एक कामकाजी पेशेवार है, उत्पीड़न से निपटने में एक अजीब स्तर की असमर्थता और नेहा के लिए एक अजीब तरह की अधिकारिता प्रदर्शन करता है, जो तुरंत गायब हो जाता है जब वो उसे ये बताने में असमर्थ होती है कि बंद दरवाजे के पीछे कार में क्या हुआ था। किसी भी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि वो ऐसा क्यों है। कभी कभी किसी पात्र के दिमाग में एक छोटी सी खिड़की दर्शक को उसकी यात्रा में शामिल करने में बहुत ही मदद करती है। यह भले ही आदित्य उलझा हुआ दिखता है, लेकिन आप उसके लिए कुछ खास महसूस नहीं करते हैं। फिल्म की लंबाई संभावत इसे धीमी गति से दिखाने के लिए 135 मिनट तक रखी गई, वास्तव में दर्दनाक रूप से लंबी लगती है। संगीत बिल्कुल ठीक है। संक्षेप में, ये एक थ्रिलर प्रेम कहानी है जिसे एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए चतुराई और तीव्रता से दोबारा बनाया जा सकता था। अफसोस ये मोड़ चूक जाता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गौरी की कहानी में सुष्मिता की अदाकारी ने फूके प्राण। मैं अटल हूँ से पहले रवि जाधव की तारीख। वेब सीरीज तारीख की शुरुआत संत तुकाराम की मराठी उक्ति जे का डंजले गंजले तुआसी हने जो आपूले तोची साधु उठखा ववा देवे तिथि ची जानवा से होती है। इसका हिंदी में भावार्था है, जो व्यक्ति निराश्रित और वंचितों की सेवा करता है वो भगवान से कम नहीं है। इस पूरी सीरीज का सार देखा जाए तो इसी एक पंक्ति में छुपा है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत की जीवन की सच्ची घटना पर बनी है ये सीरीज। गौरी ने न सिर्फ ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए काम किया, बल्कि ट्रांसजेंडर के हितों के लिए अदालती लड़ाई लड़ी और उन्हें समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का प्रेरक काम किया। गौरी सावंत को उनके समुदाय के लोग भगवान का दर्जा देते हैं। सुष्मिता सेन ने इस सीरीज में इन्हीं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत का किरदार निभाया है। खुद को निहारू, खुद को संवारू, सुध बुध खोयो जिया जैसे गीत से माहौल साधती ये कहानी वहाँ से शुरू होती है, जहाँ क्लास में एक मासूम से बच्चे से पूछा जाता है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। वो कहता है कि माँ बनना है। इस जवाब को सुनकर सभी बच्चे हंसते हैं और टीचर की डांट भी पड़ती है। फिर भी उसके मन में सवाल है कि मर्द कभी माँ क्यों नहीं बन सकते। टीचर से जवाब मिलता है कि मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए वो माँ नहीं बन सकते। 5-6 साल के बच्चे के मन में ये जवाब बैठ जाता है और इसका जवाब उसे बड़े होने के बाद खुद से मिलता है। देव की नहीं बन सकती तो क्या हुआ, यशोदा ही सही, दोनों ही माँ है। इसी भावना के साथ गौरी सावंत अपने समुदाय के हितों के लिए काम करती है। गौरी सावंत जब अपने समुदाय के लोगों को पढ़ा लिखा कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गौरी सावंत कहती है कि US में किसी को भी ताली बजा कर भीख मांगते नहीं देखा। उसके समुदाय के लोग कहते हैं कि ये तो सालों से चली आ रही हमारी परंपरा है। गौरी सावंत कहती है, हमारी परंपरा में शिखंडी भी एक ऐसा राजा था जो बिल्कुल हमारी तरह से था, लेकिन वो लड़ा और जीता भी। हमें भी लड़ाई जीतनी है और हम अपनी लड़ाई तभी जीतेंगे जब हम शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे तो काम और इज्जत दोनों मिलेगी और कोई उल्लू नहीं बना सकेगा। सीरीज ताली के कुछ दृश्य बेहद ही मर्मिक है। मसलन गणेश बड़ा होकर गहन सर्जरी से गुजरकर ट्रांसजेंडर बनने का फैसला करता है।
एक तरह हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही है और दूसरी तरफ उसके पिता उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसजेंडर को समान अधिकार मिल जाता है और गौरी सावंत टीवी इंटरव्यू में कहती है, तू मुश्किल दे रे भगवान में आसान करूँ, तू दे तपती रेत में गुलिस्तां करूँ, तू पहाड़ बना दे जितने में उसमें सुरंग बनूं, तू लाख गिरा दे बिजली मुझ पर मैं तो सतरंग बनूं। ये सुनकर गौरी सावंत के पिता का सीना गर्व से फूल जाता है, लेकिन सामाजिक भेदभाव के चलते उन्हें गणेश को कभी भी अपने बेटे का दर्जा नहीं दिया। गौरी सावंत को इस बात का दर्द जीवन भर रहा। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए गौरी सावंत को पहली लड़ाई अपने लोगों से ही लड़नी पड़ती है और इस किरदार में सुष्मिता सेन ने अपने अभिनय से प्राण फूंक दिए हैं। उनका एक एक भाव, एक एक संवाद देखने लायक है। वेब सीरीज ताली का निर्देशन रवि जाधव ने किया है। उनकी बनाई मराठी फिल्म बाल गंधर्व को उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इन दिनों वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की बायोपिक में मैं अटल हूँ का निर्देशन कर रहे हैं। रवि ने वेब सीरीज ताली में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं और उनके उत्थान की बात को बहुत ही गहराई से पेश किया है। हालांकि 6 एपिसोड की सीरीज की 2 से लेकर 5 एपिसोड की कहानी बहुत ही सुस्त है, पर कथा थोड़ी सी बिखरी हुई है। सीरीज को 6 एपिसोड की बजाय अगर 5 एपिसोड में बनाया गया होता तो कहानी का फ्लो बना रहता। सुष्मिता सेन ने ट्रांसजेंडर गौरी सावंत की भूमिका को बहुत ही प्रभावी ढंग से निभाया है। वेब सीरीज की पूरी बागडोर उन्हीं के कंधों पर टिकी हुई है और इस किरदार के साथ पूरी तरह से उन्होंने न्याय करने की कोशिश भी की है। सीरीज के बाकी कलाकारों में नितेश राठौर, अंकुर भाटिया, कृतिका देव, ऐश्वर्या नारकर, विक्रम भाम और अनंत महादेवन अपनी अपनी भूमिकाओं पर खड़े उतरे हैं। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, खास करके टॉप एंगल से लिए गए शॉट्स तो बहुत ही खूबसूरत है। सीरीज का संपादन सुस्त है, बहुत सारे ऐसे दृश्य है कि उन्हें फर्स्ट फॉरवर्ड करने का मन करता है। ऐसे दृश्य को एडिट करके सीरीज को और भी रोचक बनाया जा सकता था। सीरीज की पृष्ठभूमि क्योंकि महाराष्ट्र है और इसका कलेवर भी पूरी तरह मराठी है, लिहाजा उत्तर भारतीय दर्शकों को इसमें अपने स्वादानुसार रस की कमी दिख सकती है। आदित्य शर्मा और नेहा कसलीवाल एक रिश्ते में है जिसे एक रात चुनौती मिलती है जब ये डेट पर जाते हैं और रात के अंधेरे में खुद को पुलिस कर्मी बताने वाले दो लोगों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। क्या वो रात उनके रिश्ते की दिशा बदल देगी? सिद्धांत गुप्ता ने आदित्य शर्मा का किरदार निभाया है जो अपनी बहन और माँ के साथ मुंबई के उपनगरीय इलाके में रहता है। नेहा कसलीवाल वेदिका पिंटो द्वारा अभिनीत एक छात्रा है जो एक पेशेवर पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ये प्यार में है और शायद चीजों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। ये तारीख की रात और नेहा का जन्मदिन है जब ये एक साथ शहर से बाहर है। जैसे ही ये एक दूसरे के साथ रोमांटिक रूप से आराम कर रहे थे, दो आदमी मंगेश और किरण खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए सार्वजनिक पार्किंग स्थल में उनके साथ छेड़खानी करने के लिए उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। रात कैसा आदित्य और नेहा के रिश्ते पर भारी पड़ती है, ये कहानी का बाकी हिस्सा है। ये फिल्म 2019 मलयालम फिल्म इश्क नॉट ए लव स्टोरी की कथानक दर कथानक रीमेक है जिसमे अंध्र राष्ट्रवाद, नैतिक पुलिस सिंह और कठिन विकल्पों के बारे में बात करने के लिए एक तनावपूर्ण लड़के लड़की के रिश्ते का उपयोग किया गया है। वास्तव में इसके लिए कोई तख्ती उठाए बिना भले ही क्या था, वास्तव में धीमी गति से चलती है। विशेष रूप से शरद किलकर और किशोर कदम के प्रदर्शन ने बड़े पैमाने पर दिन बचा लिया। ये तथ्य कि ये सहजता से अपने पात्रों के प्रति क्रोध और घृणा जैसी भावनाओं को प्रेरित करते हैं, उनके पात्रों की त्वचा में घुसने की उनकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है। थ्रिलर पहलुओं को अच्छी तरह से बनाया गया है, लेकिन अनंत फिल्म पूरी तरह से अलग मोड़ ले लेती है और अंत में सब कुछ ठीक से नहीं जुड़ पाता है। क्लाइमैक्स से पहले के क्षणों को छोड़कर सिद्धांत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वेदिका को स्क्रीन पर कम समय मिलता है, लेकिन वो स्क्रीन पर आश्वस्त और सहज है। मुख्य जोड़ी
को अभी लंबा सफर तय करना है, लेकिन उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। मूल फिल्म एक छोटे शहर पर आधारित थी, जहां उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से किसी के साथ रोमांस करना परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसी जगहों पर पुलिस से निपटने में जोड़ों को भी परेशानी हो सकती है, लेकिन जब सेटिंग को मुंबई जैसे महानगर में बदल दिया जाता है, जहां आप जोड़ों को पूरे साल कई जगहों पर सार्वजनिक रूप से रोमांस करते हुए दिखने को मिल पाते हैं, तो लेखकों और निर्देशकों को इस बदलाव को ध्यान में रखना होगा और नेपन को ध्यान में रखते हुए कहानी और पात्रों के साथ अलग व्यवहार करना होगा। मन के सेटिंग। आदित्य जो एक कामकाजी पेशेवर है, उत्पीड़न से निपटने में एक अजीब स्तर की असमर्थता और नेहा के लिए एक अजीब तरह की अधिकारिता प्रदर्शन करता है, जो तुरंत गायब हो जाता है जब वो उसे ये बताने में असमर्थ होती है कि बंद दरवाजे के पीछे कार में क्या हुआ था। किसी भी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि वो ऐसा क्यों है। कभी कभी किसी पात्र के दिमाग में एक छोटी सी खिड़की दर्शक को उसकी यात्रा में शामिल करने में बहुत ही मदद करती है। यह भले ही आदित्य उलझा हुआ दिखता है, लेकिन आप उसके लिए कुछ खास महसूस नहीं करते हैं। फिल्म की लंबाई संभावत इसे धीमी गति से दिखाने के लिए 135 मिनट तक रखी गई, वास्तव में दर्दनाक रूप से लंबी लगती है। संगीत बिल्कुल ठीक है। संक्षेप में, ये एक थ्रिलर प्रेम कहानी है जिसे एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए चतुराई और तीव्रता से दोबारा बनाया जा सकता था। अफसोस ये मोड़ चूक जाता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गौरी की कहानी में सुष्मिता की अदाकारी ने फूंके प्राण। मैं अटल हूँ से पहले रवि जाधव की ताली। वेब सीरीज ताली की शुरुआत संत तुकाराम की मराठी उक्ति जे का डंजले गंजले तुआसी हने जो आपूले तुची साधु उठखा ववा देवे तिथि ची जानवा से होती है। इसका हिंदी में भावार्थ है, जो व्यक्ति निराश्रित और वंचितों की सेवा करता है वो भगवान से कम नहीं है। इस पूरी सीरीज का सार देखा जाए तो इसी एक पंक्ति में छुपा है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत की जीवन की सच्ची घटना पर बनी है ये सीरीज। गौरी ने न सिर्फ ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए काम किया, बल्कि ट्रांसजेंडर के हितों के लिए अदालती लड़ाई लड़ी और उन्हें समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का प्रेरक काम किया। गौरी सावंत को उनके समुदाय के लोग भगवान का दर्जा देते हैं। सुष्मिता सेन ने इस सीरीज में इन्हीं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत का किरदार निभाया है। खुद को निहारू, खुद को सवारू, सुद बुद्ध खोयो जिया जैसे गीत से माहौल साधती ये कहानी वहाँ से शुरू होती है, जहाँ क्लास में एक मासूम से बच्चे से पूछा जाता है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। वो कहता है कि माँ बनना है। इस जवाब को सुनकर सभी बच्चे हंसते हैं और टीचर की डांट भी पड़ती है। फिर भी उसके मन में सवाल है कि मर्द कभी माँ क्यों नहीं बन सकते। टीचर से जवाब मिलता है कि मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए वो माँ नहीं बन सकते। 5-6 साल के बच्चे के मन में ये जवाब बैठ जाता है और इसका जवाब उसे बड़े होने के बाद खुद से मिलता है। देव की नहीं बन सकती तो क्या हुआ, यशोदा ही सही, दोनों ही माँ है। इसी भावना के साथ गौरी सावंत अपने समुदाय के हितों के लिए काम करती है। गौरी सावंत जब अपने समुदाय के लोगों को पढ़ा लिखा कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गौरी सावंत कहती है कि US में किसी को भी ताली बजा कर भीख मांगते नहीं देखा। उसके समुदाय के लोग कहते हैं कि ये तो सालों से चली आ रही हमारी परंपरा है। गौरी सावंत कहती है, हमारी परंपरा में शिखंडी भी एक ऐसा राजा था जो बिल्कुल हमारी तरह से था, लेकिन वो लड़ा और जीता भी। हमें भी लड़ाई जीतनी है और हम अपनी लड़ाई तभी जीतेंगे जब हम शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे तो काम और इज्जत दोनों मिलेगी और कोई उल्लू नहीं बना सकेगा। सीरीज ताली के कुछ दृश्य बेहद ही मर्मिक है। मसलन गणेश बड़ा होकर गहन सर्जरी से गुजरकर ट्रांसजेंडर बनने का फैसला करता है। एक तरह हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही है और दूसरी तरफ उसके पिता उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसजेंडर को समान अधिकार मिल जाता है और गौरी सावंत टीवी इंटरव्यू में कहती है, तू मुश्किल दे रे भगवान मैं आसान करूं, तू दे तपती रेत मैं गुलिस्तां करूं, तू पहाड़ बना दे जितने मैं
उसमें सुरंग बनू तू लाख गिरा दे बिजली मुझ पर मैं तो सतरंग बनू। ये सुनकर गौरी सावंत के पिता काशी नगर से फूल जाता है, लेकिन सामाजिक भेदभाव के चलते उन्हें गणेश को कभी भी अपने बेटे का दर्जा नहीं दिया। गौरी सावंत को इस बात का दर्द जीवन भर रहा। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए गौरी सावंत को पहली लड़ाई अपने लोगों से ही लड़नी पड़ती है, और इस किरदार में सुष्मिता सेन ने अपने अभिनय से प्राण फूंक दिए हैं। उनका एक एक भाव एक एक संवाद देखने लायक है। वेब सीरीज ताली का निर्देशन रवि जाधव ने किया है। उनकी बनाई मराठी फिल्म बाल गंधर्व को उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इन दिनों वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की बायोपिक में मैं अटल हूँ का निर्देशन कर रहे हैं। रवि ने वेब सीरीज ताली में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं और उनके उत्थान की बात को बहुत ही गहराई से पेश किया है। हालांकि 6 एपिसोड की सीरीज की 2 से लेकर 5 एपिसोड की कहानी बहुत ही सुस्त है, पर कथा थोड़ी सी बिखरी हुई है। सीरीज को 6 एपिसोड की बजाय अगर 5 एपिसोड में बनाया गया होता तो कहानी का फ्लो बना रहता। सुष्मिता सेन ने ट्रांसजेंडर गौरी सावंत की भूमिका को बहुत ही प्रभावी ढंग से निभाया है। वेब सीरीज की पूरी बागडोर उन्हीं के कंधों पर टिकी हुई है, और इस किरदार के साथ पूरी तरह से उन्होंने न्याय करने की कोशिश भी की है। सीरीज के बाकी कलाकारों में नितेश राठौर, अंकुर भाटिया, कृतिका देव, ऐश्वर्या नारकर, विक्रम भाम और अनंत महादेवन अपनी अपनी भूमिकाओं पर खड़े उतरे हैं। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, खास करके टॉप एंगल से लिए गए शॉट्स तो बहुत ही खूबसूरत है। सीरीज का संपादन सुस्त है, बहुत सारे ऐसे दृश्य है कि उन्हें फर्स्ट फॉरवर्ड करने का मन करता है। ऐसे दृश्य को एडिट करके सीरीज को और भी रोचक बनाया जा सकता था। सीरीज की पृष्ठभूमि क्योंकि महाराष्ट्र है और इसका कलेवर भी पूरी तरह मराठी है, लिहाजा उत्तर भारतीय दर्शकों को इसमें अपने स्वादानुसार रस की कमी दिख सकती है। आदित्य शर्मा और नेहा कसलीवाल एक रिश्ते में है जिसे एक रात चुनौती मिलती है जब ये डेट पर जाते हैं और रात के अंधेरे में खुद को पुलिस कर्मी बताने वाले दो लोगों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। क्या वो रात उनके रिश्ते की दिशा बदल देगी? सिद्धांत गुप्ता ने आदित्य शर्मा का किरदार निभाया है जो अपनी बहन और माँ के साथ मुंबई के उपनगरीय इलाके में रहता है। नेहा कसलीवाल वेदिका पिंटो द्वारा अभिनीत एक छात्रा है जो एक पेशेवर पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ये प्यार में है और शायद चीजों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। ये तारीख की रात और नेहा का जन्मदिन है जब ये एक साथ शहर से बाहर है। जैसे ही ये एक दूसरे के साथ रोमांटिक रूप से आराम कर रहे थे, दो आदमी मंगेश और किरण खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए सार्वजनिक पार्किंग स्थल में उनके साथ छेड़खानी करने के लिए उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। रात कैसा आदित्य और नेहा के रिश्ते पर भारी पड़ती है, ये कहानी का बाकी हिस्सा है। ये फिल्म 2019 मलयालम फिल्म इश्क नॉट ए लव स्टोरी की कथानक दर कथानक रीमेक है जिसमें अंध्र राष्ट्रवाद, नैतिक पुलिस सिंह और कठिन विकल्पों के बारे में बात करने के लिए एक तनावपूर्ण लड़के लड़की के रिश्ते का उपयोग किया गया है। वास्तव में इसके लिए कोई तख्ती उठाए बिना भले ही कथा वास्तव में धीमी गति से चलती है, विशेष रूप से शरद किलकर और किशोर कदम के प्रदर्शन ने बड़े पैमाने पर दिन बचा लिया। ये तथ्य कि ये सहजता से अपने पात्रों के प्रति क्रोध और घृणा जैसी भावनाओं को प्रेरित करते हैं, उनके पात्रों की त्वचा में घुसने की उनकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है। थ्रिलर पहलुओं को अच्छी तरह से बनाया गया है, लेकिन अनंत फिल्म पूरी तरह से अलग मोड़ ले लेती है और अंत में सब कुछ ठीक से नहीं जुड़ पाता है। क्लाइमैक्स से पहले के क्षणों को छोड़कर सिद्धांत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वेदिका को स्क्रीन पर कम समय मिलता है, लेकिन वो स्क्रीन पर आश्वस्त और सहज है। मुख्य जोड़ी को अभी लंबा सफर तय करना है, लेकिन उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। मूल फिल्म एक छोटे शहर पर आधारित थी जहां उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से किसी के साथ रोमांस करना परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसी जगहों पर पुलिस से निपटने में जोड़ों को भी परेशानी हो सकती है, लेकिन जब सेटिंग को मुंबई जैसे महानगर में बदल दिया जाता है जहां आप जोड़ों को पूरे साल कई जगहों पर सार्वजनिक रूप से रोमांस करते हुए दिखने को मिल पाते हैं, तो लेखकों और निर्देशकों को इस बदलाव को ध्यान में रखना होगा और नेपन को ध्यान में रखते हुए कहानी और पात्रों के साथ अलग व्यवहार करना होगा। मन के सेटिंग आदित्य जो एक
कामकाजी पेशेवर है। उत्पीड़न से निपटने में एक अजीब स्तर की असमर्थता और नेहा के लिए एक अजीब तरह की अधिकारिता प्रदर्शन करता है जो तुरंत गायब हो जाता है जब वो उसे ये बताने में असमर्थ होती है कि बंद दरवाजे के पीछे कार में क्या हुआ था। किसी भी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि वो ऐसा क्यों है। कभी कभी किसी पात्र के दिमाग में एक छोटी सी खिड़की दर्शक को उसकी यात्रा में शामिल करने में बहुत ही मदद करती है। यह भले ही आदित्य उलझा हुआ दिखता है लेकिन आप उसके लिए कुछ खास महसूस नहीं करते हैं। फिल्म की लंबाई संभावत इसे धीमी गति से दिखाने के लिए 135 मिनट तक रखी गई वास्तव में दर्दनाक रूप से लंबी लगती है। संगीत बिल्कुल ठीक है। संक्षेप में ये एक थ्रिलर प्रेम कहानी है जिसे एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए चतुराई और तीव्रता से दोबारा बनाया जा सकता था। अफसोस ये मोड़ चूक जाता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गौरी की कहानी में सुष्मिता की अदाकारी ने फूंके प्राण। मैं अटल हूँ से पहले रवि जाधव की ताली। वेब सीरीज ताली की शुरुआत संत तुकाराम की मराठी उक्ति जे का डंजले गंजले तुआसी हने जो आपूले तूची साधु उठखा ववा देवे तिथि ची जानवा से होती है। इसका हिंदी में भावार्था है जो व्यक्ति निराश्रित और वंचितों की सेवा करता है वो भगवान से कम नहीं है। इस पूरी सीरीज का सार देखा जाए तो इसी एक पंक्ति में छुपा है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत के जीवन की सच्ची घटना पर बनी है ये सीरीज। गौरी ने न सिर्फ ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए काम किया बल्कि ट्रांसजेंडर के हितों के लिए अदालती लड़ाई लड़ी और उन्हें समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का प्रेरक काम किया। गौरी सावंत को उनके समुदाय के लोग भगवान का दर्जा देते हैं। सुष्मिता सेन ने इस सीरीज में इन्हीं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत का किरदार निभाया है। खुद को निहारू खुद को सवारू सुध बुध खोयो जिया जैसे गीत से माहौल साधती ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ क्लास में एक मासूम से बच्चे से पूछा जाता है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। वो कहता है कि माँ बनना है। इस जवाब को सुनकर सभी बच्चे हंसते हैं और टीचर की डांट भी पड़ती है। फिर भी उसके मन में सवाल है कि मर्द कभी माँ क्यों नहीं बन सकते। टीचर से जवाब मिलता है कि मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकते इसलिए वो माँ नहीं बन सकते। 5-6 साल के बच्चे के मन में ये जवाब बैठ जाता है और इसका जवाब उसे बड़े होने के बाद खुद से मिलता है। देव की नहीं बन सकती तो क्या हुआ। यशोदा ही सही दोनों ही माँ है। इसी भावना के साथ गौरी सावंत अपने समुदाय के हितों के लिए काम करती है। गौरी सावंत जब अपने समुदाय के लोगों को पढ़ा लिखा कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गौरी सावंत कहती है कि US में किसी को भी ताली बजा कर भीख मांगते नहीं देखा। उसके समुदाय के लोग कहते हैं कि ये तो सालों से चली आ रही हमारी परंपरा है। गौरी सावंत कहती है हमारी परंपरा में शिखंडी भी एक ऐसा राजा था जो बिल्कुल हमारी तरह से था लेकिन वो लड़ा और जीता भी। हमें भी लड़ाई जीतनी है और हम अपनी लड़ाई तभी जीतेंगे जब हम शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे तो काम और इज्जत दोनों मिलेगी और कोई उल्लू नहीं बना सकेगा। सीरीज ताली के कुछ दृश्य बेहद ही मर्मिक है। मसलन गणेश बड़ा होकर गहन सर्जरी से गुजरकर ट्रांसजेंडर बनने का फैसला करता है। एक तरह हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही है और दूसरी तरफ उसके पिता उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसजेंडर को समान अधिकार मिल जाता है और गौरी सावंत टीवी इंटरव्यू में कहती है तू मुश्किल दे रे भगवान मैं आसान करूं, तू दे तपती रेत मैं गुलिस्तां करूं, तू पहाड़ बना दे जितने मैं उसमें सुरंग बनूं, तू लाख गिरा दे बिजली मुझ पर मैं तो सतरंग बनूं। ये सुनकर गौरी सावंत के पिता का सीना गर्व से फूल जाता है लेकिन सामाजिक भेदभाव के चलते उन्हें गणेश को कभी भी अपने बेटे का दर्जा नहीं दिया। गौरी सावंत को इस बात का दर्द जीवन भर रहा। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए गौरी सावंत को पहली लड़ाई अपने लोगों से ही लड़नी पड़ती है और इस किरदार में सुष्मिता सेन ने अपने अभिनय से प्राण फूंक दिए है। उनका एक एक भाव एक एक संवाद देखने लायक है। वेब सीरीज ताली का निर्देशन रवि जाधव ने किया है। उनकी बनाई मराठी फिल्म बाल गंधर्व
को उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इन दिनों वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की बायोपिक में मैं अटल हूँ का निर्देशन कर रहे हैं। रवि ने वेब सीरीज ताली में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं और उनके उत्थान की बात को बहुत ही गहराई से पेश किया है। हालांकि 6 एपिसोड की सीरीज की 2 से लेकर 5 एपिसोड की कहानी बहुत ही सुस्त है, पर कथा थोड़ी सी बिखरी हुई है। सीरीज को 6 एपिसोड की बजाय अगर 5 एपिसोड में बनाया गया होता तो कहानी का फ्लो बना रहता। सुष्मिता सेन ने ट्रांसजेंडर गौरी सावंत की भूमिका को बहुत ही प्रभावी ढंग से निभाया है। वेब सीरीज की पूरी बागडोर उन्हीं के कंधों पर टिकी हुई है और इस किरदार के साथ पूरी तरह से उन्होंने न्याय करने की कोशिश भी की है। सीरीज के बाकी कलाकारों में नितेश राठौर, अंकुर भाटिया, कृतिका देव, ऐश्वर्या नारकर, विक्रम भाम और अनंत महादेवन अपनी अपनी भूमिकाओं पर खड़े उतरे हैं। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, खासकर के टॉप एंगल से लिए गए शॉट्स तो बहुत ही खूबसूरत है। सीरीज का संपादन सुस्त है, बहुत सारे ऐसे दृश्य है कि उन्हें फर्स्ट फॉरवर्ड करने का मन करता है। ऐसे दृश्य को एडिट करके सीरीज को और भी रोचक बनाया जा सकता था। सीरीज की पृष्ठभूमि क्योंकि महाराष्ट्र है और इसका कलेवर भी पूरी तरह मराठी है, लिहाजा उत्तर भारतीय दर्शकों को इसमें अपने स्वादानुसार रस की कमी दिख सकती है। आदित्य शर्मा और नेहा कसलीवाल एक रिश्ते में है जिसे एक रात चुनौती मिलती है जब ये डेट पर जाते हैं और रात के अंधेरे में खुद को पुलिस कर्मी बताने वाले 2 लोगों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। क्या वो रात उनके रिश्ते की दिशा बदल देगी? सिद्धांत गुप्ता ने आदित्य शर्मा का किरदार निभाया है जो अपनी बहन और माँ के साथ मुंबई के उपनगरीय इलाके में रहता है। नेहा कसलीवाल वेदिका पिंटो द्वारा अभिनीत एक छात्रा है जो एक पेशेवर पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ये प्यार में है और शायद चीजों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। ये तारीख की रात और नेहा का जन्मदिन है जब ये एक साथ शहर से बाहर है। जैसे ही ये एक दूसरे के साथ रोमांटिक रूप से आराम कर रहे थे, 2 आदमी मंगेश और किरण खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए सार्वजनिक पार्किंग स्थल में उनके साथ छेड़खानी करने के लिए उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। रात कैसा आदित्य और नेहा के रिश्ते पर भारी पड़ती है, ये कहानी का बाकी हिस्सा है। ये फिल्म 2019 मलयालम फिल्म इश्क नॉट ए लव स्टोरी की कथानक दर कथानक रीमेक है जिसमें अंध्र राष्ट्रवाद, नैतिक पुलिस सिंह और कठिन विकल्पों के बारे में बात करने के लिए एक तनावपूर्ण लड़के लड़की के रिश्ते का उपयोग किया गया है। वास्तव में इसके लिए कोई तख्ती उठाए बिना भले ही क्या था, वास्तव में धीमी गति से चलती है। विशेष रूप से शरद किलकर और किशोर कदम के प्रदर्शन ने बड़े पैमाने पर दिन बचा लिया। ये तथ्य कि ये सहजता से अपने पात्रों के प्रति क्रोध और घृणा जैसी भावनाओं को प्रेरित करते हैं, उनके पात्रों की त्वचा में घुसने की उनकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है। थ्रिलर पहलुओं को अच्छी तरह से बनाया गया है लेकिन अनंत फिल्म पूरी तरह से अलग मोड़ ले लेती है और अंत में सब कुछ ठीक से नहीं जुड़ पाता है। क्लाइमैक्स से पहले के क्षणों को छोड़कर सिद्धांत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वेदिका को स्क्रीन पर कम समय मिलता है लेकिन वो स्क्रीन पर आश्वस्त और सहज है। मुख्य जोड़ी को अभी लंबा सफर तय करना है लेकिन उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। मूल फिल्म एक छोटे शहर पर आधारित थी जहां उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से किसी के साथ रोमांस करना परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसी जगह पर पुलिस से निपटने में जोड़ों को भी परेशानी हो सकती है लेकिन जब सेटिंग को मुंबई जैसे महानगर में बदल दिया जाता है जहां आप जोड़ों को पूरे साल कई जगहों पर सार्वजनिक रूप से रोमांस करते हुए दिखने को मिल पाते हैं तो लेखकों और निर्देशकों को इस बदलाव को ध्यान में रखना होगा और नेपन को ध्यान में रखते हुए कहानी और पात्रों के साथ अलग व्यवहार करना होगा। मन के सेटिंग आदित्य जो एक कामकाजी पेशेवार है उत्पीड़न से निपटने में एक अजीब स्तर की असमर्थता और नेहा के लिए एक अजीब तरह की अधिकारिता प्रदर्शन करता है जो तुरंत गायब हो जाता है जब वो उसे ये बताने में असमर्थ होती है कि बंद दरवाजे के पीछे कार में क्या हुआ था। किसी भी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि वो ऐसा क्यों है। कभी कभी किसी पात्र के दिमाग में एक छोटी सी खिड़की दर्शक को उसकी
यात्रा में शामिल करने में बहुत ही मदद करती है। यह भले ही आदित्य उलझा हुआ दिखता है, लेकिन आप उसके लिए कुछ खास महसूस नहीं करते हैं। फिल्म की लंबाई संभावत इसे धीमी गति से दिखाने के लिए 135 मिनट तक रखी गई, वास्तव में दर्दनाक रूप से लंबी लगती है। संगीत बिल्कुल ठीक है। संक्षेप में, ये एक थ्रिलर प्रेम कहानी है जिसे एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए चतुराई और तीव्रता से दोबारा बनाया जा सकता था। अफसोस, ये मोड़ चूक जाता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। गौरी की कहानी में सुष्मिता की अदाकारी ने फूंके प्राण। मैं अटल हूँ से पहले रवि जाधव की ताली। वेब सीरीज ताली की शुरुआत संत तुकाराम की मराठी उक्ति जे का डंजले गंजले त्वासे हने जो आपूले तोची साधु उठखा ववा देवे तिथे ची जानवा से होती है। इसका हिंदी में भावार्था है, जो व्यक्ति निराश्रित और वंचितों की सेवा करता है वो भगवान से कम नहीं है। इस पूरी सीरीज का सार देखा जाए तो इसे एक पंक्ति में छुपा है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत के जीवन की सच्ची घटना पर बनी है ये सीरीज। गौरी ने न सिर्फ ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए काम किया, बल्कि ट्रांसजेंडर के हितों के लिए अदालती लड़ाई लड़ी और उन्हें समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का प्रेरक काम किया। गौरी सावंत को उनके समुदाय के लोग भगवान का दर्जा देते हैं। सुष्मिता सेन ने इस सीरीज में इन्हीं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत का किरदार निभाया है। खुद को निहारो, खुद को संवारो, सुध-बुध खोयो जिया जैसे गीत से माहौल साधती ये कहानी वहाँ से शुरू होती है, जहाँ क्लास में एक मासूम से बच्चे से पूछा जाता है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। वो कहता है कि माँ बनना है। इस जवाब को सुनकर सभी बच्चे हंसते हैं और टीचर की डांट भी पड़ती है। फिर भी उसके मन में सवाल है कि मर्द कभी माँ क्यों नहीं बन सकते। टीचर से जवाब मिलता है कि मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए वो माँ नहीं बन सकते। 5-6 साल के बच्चे के मन में ये जवाब बैठ जाता है और इसका जवाब उसे बड़े होने के बाद खुद से मिलता है। देव की नहीं बन सकती तो क्या हुआ, यशोदा ही सही, दोनों ही माँ है। इसी भावना के साथ गौरी सावंत अपने समुदाय के हितों के लिए काम करती है। गौरी सावंत जब अपने समुदाय के लोगों को पढ़ा लिखा कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गौरी सावंत कहती है कि US में किसी को भी ताली बजा कर भीख मांगते नहीं देखा। उसके समुदाय के लोग कहते हैं कि ये तो सालों से चली आ रही हमारी परंपरा है। गौरी सावंत कहती है, हमारी परंपरा में शिखंडी भी एक ऐसा राजा था जो बिल्कुल हमारी तरह से था, लेकिन वो लड़ा और जीता भी। हमें भी लड़ाई जीतनी है और हम अपनी लड़ाई तभी जीतेंगे जब हम शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे तो काम और इज्जत दोनों मिलेगी और कोई उल्लू नहीं बना सकेगा। सीरीज ताली के कुछ दृश्य बेहद ही मर्मिक है। मसलन गणेश बड़ा होकर गहन सर्जरी से गुजरकर ट्रांसजेंडर बनने का फैसला करता है। एक तरह हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही है और दूसरी तरफ उसके पिता उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसजेंडर को समान अधिकार मिल जाता है और गौरी सावंत टीवी इंटरव्यू में कहती है, तू मुश्किल दे दे भगवान मैं आसान करूं, तू दे तपती रेत मैं गुलिस्तां करूं, तू पहाड़ बना दे जितने मैं उसमें सुरंग बनूं, तू लाख गिरा दे बिजली मुझ पर मैं तो सतरंग बनूं। ये सुनकर गौरी सावंत के पिता का सीना गर्व से फूल जाता है, लेकिन सामाजिक भेदभाव के चलते उन्हें गणेश को कभी भी अपने बेटे का दर्जा नहीं दिया। गौरी सावंत को इस बात का दर्द जीवन भर रहा। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए गौरी सावंत को पहली लड़ाई अपने लोगों से ही लड़नी पड़ती है और इस किरदार में सुष्मिता सेन ने अपने अभिनय से प्राण फूंक दिए है। उनका एक एक भाव, एक एक संवाद देखने लायक है। वेब सीरीज ताली का निर्देशन रवि जाधव ने किया है। उनकी बनाई मराठी फिल्म बाल गंधर्व को उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इन दिनों वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की बायोपिक में मैं अटल हूँ का निर्देशन कर रहे हैं। रवि ने वेब सीरीज ताली में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं और उनके उत्थान की बात को बहुत ही गहराई से पेश किया है। हालांकि 6 एपिसोड की सीरीज की 2 से लेकर 5 एपिसोड की कहानी बहुत ही सुस्त है
पर कथा थोड़ी सी बिखरी हुई है। सीरीज को 6 एपिसोड की बजाय अगर 5 एपिसोड में बनाया गया होता तो कहानी का फ्लो बना रहता। सुष्मिता सेन ने ट्रांसजेंडर गौरी सावंत की भूमिका को बहुत ही प्रभावी ढंग से निभाया है। वेब सीरीज की पूरी बागडोर उन्हीं के कंधों पर टिकी हुई है और इस किरदार के साथ पूरी तरह से उन्होंने न्याय करने की कोशिश भी की है। सीरीज के बाकी कलाकारों में नितेश राठौर, अंकुर भाटिया, कृतिका देव, ऐश्वर्या नारकर, विक्रम भाम और अनंत महादेवन अपनी अपनी भूमिकाओं पर खड़े उतरे हैं। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, खास करके टॉप एंगल से लिए गए शॉट्स तो बहुत ही खूबसूरत है। सीरीज का संपादन सुस्त है, बहुत सारे ऐसे दृश्य है कि उन्हें फर्स्ट फॉरवर्ड करने का मन करता है। ऐसे दृश्य को एडिट करके सीरीज को और भी रोचक बनाया जा सकता था। सीरीज की पृष्ठभूमि क्योंकि महाराष्ट्र है और इसका कलेवर भी पूरी तरह मराठी है, लिहाजा उत्तर भारतीय दर्शकों को इसमें अपने स्वादानुसार रस की कमी दिख सकती है। आदित्य शर्मा और नेहा कसलीवाल एक रिश्ते में है जिसे एक रात चुनौती मिलती है जब ये डेट पर जाते हैं और रात के अंधेरे में खुद को पुलिस कर्मी बताने वाले दो लोगों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। क्या वो रात उनके रिश्ते की दिशा बदल देगी? सिद्धांत गुप्ता ने आदित्य शर्मा का किरदार निभाया है जो अपनी बहन और माँ के साथ मुंबई के उपनगरीय इलाके में रहता है। नेहा कसलीवाल वेदिका पिंटो द्वारा अभिनीत एक छात्रा है जो एक पेशेवर पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ये प्यार में है और शायद चीजों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। ये तारीख की रात और नेहा का जन्मदिन है जब ये एक साथ शहर से बाहर है। जैसे ही ये एक दूसरे के साथ रोमांटिक रूप से आराम कर रहे थे, दो आदमी मंगेश और किरण खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए सार्वजनिक पार्किंग स्थल में उनके साथ छेड़खानी करने के लिए उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। रात कैसा आदित्य और नेहा के रिश्ते पर भारी पड़ती है, ये कहानी का बाकी हिस्सा है। ये फिल्म 2019 मलयालम फिल्म इश्क नॉट ए लव स्टोरी की कथानक दर कथानक रीमेक है जिसमें अंध्र राष्ट्रवाद, नैतिक पुलिस सिंह और कठिन विकल्पों के बारे में बात करने के लिए एक तनावपूर्ण लड़के लड़की के रिश्ते का उपयोग किया गया है। वास्तव में इसके लिए कोई तख्ती उठाए बिना भले ही कथा वास्तव में धीमी गति से चलती है, विशेष रूप से शरद किलकर और किशोर कदम के प्रदर्शन ने बड़े पैमाने पर दिन बचा लिया। ये तथ्य कि ये सहजता से अपने पात्रों के प्रति क्रोध और घृणा जैसी भावनाओं को प्रेरित करते हैं, उनके पात्रों की त्वचा में घुसने की उनकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है। थ्रिलर पहलुओं को अच्छी तरह से बनाया गया है लेकिन अनंत फिल्म पूरी तरह से अलग मोड़ ले लेती है और अंत में सब कुछ ठीक से नहीं जुड़ पाता है। क्लाइमैक्स से पहले के क्षणों को छोड़कर सिद्धांत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वेदिका को स्क्रीन पर कम समय मिलता है लेकिन वो स्क्रीन पर आश्वस्त और सहज है। मुख्य जोड़ी को अभी लंबा सफर तय करना है लेकिन उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। मूल फिल्म एक छोटे शहर पर आधारित थी जहां उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से किसी के साथ रोमांस करना परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसी जगहों पर पुलिस से निपटने में जोड़ों को भी परेशानी हो सकती है लेकिन जब सेटिंग को मुंबई जैसे महानगर में बदल दिया जाता है जहां आप जोड़ों को पूरे साल कई जगहों पर सार्वजनिक रूप से रोमांस करते हुए दिखने को मिल पाते हैं तो लेखकों और निर्देशकों को इस बदलाव को ध्यान में रखना होगा और नेपन को ध्यान में रखते हुए कहानी और पात्रों के साथ अलग व्यवहार करना होगा। मन के सेटिंग आदित्य जो एक कामकाजी पेशेवर है उत्पीड़न से निपटने में एक अजीब स्तर की असमर्थता और नेहा के लिए एक अजीब तरह की अधिकारिता प्रदर्शन करता है जो तुरंत गायब हो जाता है जब वो उसे ये बताने में असमर्थ होती है कि बंद दरवाजे के पीछे कार में क्या हुआ था। किसी भी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि वो ऐसा क्यों है। कभी कभी किसी पात्र के दिमाग में एक छोटी सी खिड़की दर्शक को उसकी यात्रा में शामिल करने में बहुत ही मदद करती है। यह भले ही आदित्य उलझा हुआ दिखता है लेकिन आप उसके लिए कुछ खास महसूस नहीं करते हैं। फिल्म की लंबाई संभावत इसे धीमी गति से दिखाने के लिए 135 मिनट तक रखी गई, वास्तव में दर्दनाक रूप से लंबी लगती है। संगीत बिल्कुल ठीक है। संक्षेप में ये एक थ्रिलर प्रेम कहानी है जिसे एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए चतुराई और तीव्रता से दोबारा बनाया जा सकता था। अफसोस ये मोड़ चूक जाता है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है।